आप जो आपका अधिकार है आप चाहते हैं करवाना, लेकिन वो अगर नहीं होता है तब आप एक टकराव की स्थिति में आते हैं अथॉरिटीज के साथ, प्रशासन के साथ, शासन के साथ। आप थाने जाते हैं, कहते हैं कि हमारी FIR करिए, कंप्लेन लिखिए। कंप्लेन वो लिखते नहीं है, वहां टकराव होता है, आपका अधिकार है जबकि। तो अब इन अधिकारों की अगर पूर्ति होगी, अगर आपको करवाना है तो कैसे करवाएंगे? तो उसमें सबसे सशक्त माध्यम जो है वो RTI है, सबसे सशक्त औजार RTI है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके अधिकारों की बात आती है तो अधिकारों की जो चाबी है वो RTI ही है। आप वहां पर एक RTI एप्लीकेशन लगा देंगे, उसमें कहेंगे कि ये मेरी, मैंने ये कंप्लेंट दी थी, इसमें क्या कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई की जानकारी दी जाए मुझे। बस वहीं से शुरुआत हो जाती है। वो जो जिस अधिकारी ने ये वॉलेशन किया अधिकार का, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये इससे बड़ा औजार नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग जो है, खास तौर से जहां आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पर RTI को साथ में रख करके देखना चाहिए। सभी अधिकारों के साथ RTI को रखना चाहिए, ताकि जो शासन प्रशासन है वो आपके प्रति जवाबदेह हो सके। और इसमें शिवानंद जी, मैं चाहूंगा कि जितने जो यहाँ पर स्पीकर्स हैं, उनकी चूंकि इसमें इस विषय पर उनका गहरा अध्ययन है, तो हम लोग उनको सुने तो और बेहतर होगा, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अधिकारों और जो उन किस तरह से हम अपने अधिकार को पा सकते हैं, किस तरह से शासन प्रशासन को जवाबदेह बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर माननीय प्रवीण पटेल जी को, अश्विन कारिया जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारे स्पीकर्स को एक एक करके इनवाइट करें और उनके विषय में थोड़ा सा अपना व्यूज रखें। माननीय कारिया सर जी, हाँ, तो सबसे पहले हम सोफिया खान को इनवाइट करेंगे। सोफिया खान अपने हिसाब से सफर नाम की एक संस्था है, उसके साथ वो इसके डायरेक्टर है, और गुजरात में मोरबी और कच्छ के बीच मालिया नाम का गांव है, वहाँ की जो माइनॉरिटी लेडीज है उनके साथ वो बड़ी अच्छी तरह से कई सालों से काम कर रही है। और महिलाओं के बारे में उनका योगदान ह्यूमन राइट्स के जतन के बारे में बहुत ही बड़ा अच्छा रहा है, तो ये कई सालों से वो इस बारे में काम कर रही है, उनका मैं आदर भी, गुजरात में उसका अच्छा नाम है। दूसरे हमारे जो स्पीकर है उसका भी मैं परिचय देना चाहता हूँ, झरना पाठक जी। वो अहमदाबाद वेमेन्स एक्शन ग्रुप आवाज नामक एक संस्था है गुजरात में, शायद 1980 से काम कर रही है, पर आवाज का यूनो के साथ कंसल्टेशन भी है, और महिलाओं को जो उसको सफरिंग्स होती है उसके हक में वो काफी दृढ़ता से लड़ रही है। कुछ केसेस भी होती है, पुलिस केसेस भी करती है, जहाँ रेप होता है वहां भी उसको मदद करने के लिए पहुंच जाती है। उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और उसका बड़ा अच्छा नाम है। गुजरात में जितनी भी महिला संस्था है उसका वो लीडिंग रोल है उसका, उसमें झरना पाठक जी है वो उसकी ट्रस्टी है, उसका भी हमें स्वागत है। तो इतना परिचय देके मैं विराम लूंगा, तो शिवानंद जी आप उनको आमंत्रित कीजिए, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में। बिल्कुल, तो माननीय सोफिया जी, सोफिया मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके और विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे, वीडियो चालू कीजिए। हाँ, मतलब मैंने भी वीडियो ऑफ रखा है, अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो मैं बिना वीडियो ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। इज इट ओके? ओके ओके, कोई बात। या देखिए, मुझे लग रहा था कि इतने सारे विद्वान लोग यहाँ पर आज की सुबह में मौजूद हैं, मैं थोड़ा लोगों से सुन के अपना ज्ञान वर्धन करने के बाद अपनी कुछ बात रखने की कोशिश करती, पर कारिया सर ने सबसे पहले मुझे मेरा नाम ले लिया और इसलिए अब मुझे अपनी बात शुरू करनी पड़ेगी, विच इज ऑल राइट, और मैं कोशिश करूंगी। मेरे ख्याल से कितना मिनट होगा हमारे पास ताकि मुद्दे सारे में जो बोलना चाह रही हूँ आ जाए? सर क्या कारिया सर, कितने कितना कितना टाइम होगा? 10 मिनट्स, 10 मिनट्स फॉर ईच।
और फिर विशेष परिस्थितियों में इट में हाँ ठीक है 10 मिनट काफी है, बहुत ज्यादा है। हाँ तो जैसे महिलाओं के अधिकारों पर बात हमें करनी है, कई बार ये लगता है कि हम हर साल ह्यूमन राइट डे मनाते हैं और अभी हम अगर देखें तो सारी दुनिया में पिछले 16 दिन मतलब 25th नवंबर टू 10th दिसंबर जिसे ह्यूमन राइट डे पर खत्म किया गया, सारी दुनिया में एक बहुत ही शानदार तरीके से महिलाओं पर हो रही हिंसा का कैंपेन चलाया गया और भारत में भी और गुजरात में भी और गुजरात के गांवों में भी जो लोग इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं उन्होंने इस मुद्दे पर काफी बातें की हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगी लेकिन फिर भी अपनी बात को सेट करने के लिए अगर मैं कुछ चीजें यहाँ पे कोट करूं जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उनसे अपनी शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे अभी रिसेंटली ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश हुआ और उसमें ये कहा गया कि भारत में जो है गरीबी और इनइक्वालिटी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी बहुत ही व्यापक स्तर पर मौजूद है और इसके उन्होंने तरह तरह के आंकड़े दिए हैं। मैं उन सारे आंकड़ों में नहीं जाऊंगी क्योंकि सारे विद्वान लोग ही यहाँ पर बैठे हैं, हम सब ने ये स्टडी किया हुआ है। मैं उसमें से सिर्फ ये पॉइंट कहना चाहूंगी कि अगर भारत में ओवरऑल समाज की ये स्थिति हो तो हमें ये देखना होता है कि किसी भी पितृसत्ताक समाज में किसी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी में हमेशा औरतों की स्थिति महिलाओं को फॉलो करती है। तो अगर पुरुषों के साथ गरीबी और इनइक्वालिटी का इतना व्यापक इंपैक्ट है तो सोच लेना चाहिए कि हम महिलाओं के मुद्दों पर कहाँ होंगे। और हम जब महिलाओं के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तब हमें एक ये पॉइंट भी बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम महिलाओं के प्रश्नों को महिलाओं के मानवाधिकारों को कंपार्टमेंट में नहीं देख सकते, हमें उन्हें एक टोटैलिटी में देखना होगा। और जब हम टोटैलिटी में देखने की बात करते हैं तो भारत जैसी सोसाइटी के लिए हम सिर्फ जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं जहां महिला और पुरुष के संबंधों में गैर बराबरी हो, लेकिन हमारे यहाँ पर औरत जो है धर्म के नाम पे भी गैर बराबरी का सामना कर रही है, जाति के नाम पर भी गैर बराबरी का सामना कर रही है, वर्ग के नाम पर भी गैर बराबरी का सामना कर रही है। तो जब हम भारतीय महिलाओं के मानवाधिकार की बात करते हैं तो वो जेंडर के अलावा धर्म, जाति, वर्ग ये तीन और बर्डन का सामना करती है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं गैर बराबरी की और महिलाओं के मानवाधिकार की तो मुझे ये लगता है कि हमें इन चारों मुद्दों को एक साथ देख के बात करनी चाहिए। हम सब ने देखा कि ये जो पिछले 2-3 सालों से हम जिस महामारी का सामना सारी दुनिया कर रही है और भारत भी उसमें कोई अपवाद नहीं है, हम भी अपनी तरह से इससे जूझ रहे हैं। हमने देखा है कि पूरे वैश्विक स्तर पर भी और भारत में गांव-गांव में जब हम जा रहे हैं, झरना बहन भी यहाँ पर है, हम लोग जब गांव-गांव में जाते हैं हमें पता चल रहा है कि महिलाओं पर हिंसा कई गुना बढ़ गई है। और अगर मैं इस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग जो नेशनल विमेंस कमीशन ऑफ विमेन है उनकी बात करूं तो उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में महिलाओं पर जो हिंसा के आंकड़े दर्ज किए गए उससे कहीं ज्यादा वायलेंस के आंकड़े इन दिनों रजिस्टर्ड किए गए और NCW के मुताबिक 131% इनमें रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली बात है। और इसके अलावा मैं एक और सर्वे को कोट करना चाहूंगी क्योंकि अभी पिछले दिनों ही पिछले हफ्ते रिलीज हुआ जिसको हम NFHS 5 के नाम से समझ रहे हैं, जिसमें 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वे किया गया, अध्ययन किया गया। और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पितृसत्ता सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। जिस तरह से हमारी ओरिएंटेशन होती है, हमारी अपब्रिंगिंग होती है, वो उनसे हमारे मूल्य बनते हैं, उससे हमारे प्रैक्टिसेस होती है, उससे हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो इसमें ये पता चला कि कम से कम 30% महिलाएं जो हैं वो पति के द्वारा की जाने वाली हिंसा का समर्थन करती हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना, मुझे पता नहीं है इस वक्त यहाँ तेलंगाना से हमारे साथ कोई पार्टिसिपेंट्स हैं, तेलंगाना से 85% महिलाएं, आंध्र प्रदेश से 84% महिलाएं और कर्नाटक से 77% महिलाओं ने इसे जस्टिफाई किया कि अगर उनसे कोई गलती होती है तो पुरुष उन पर हिंसा करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि ये हमारी मानसिकता है। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, आंकड़े बहुत मिल सकते हैं, बहुत ही डरावनी और भयानक स्टोरीज हमारे इर्द गिर्द हैं,
महिलाओं पर हिंसा की, और अनफॉर्चुनेटली समाज में जिस तरह की सेंसिटिविटी का जो होना चाहिए उसमें जिस तरह की भारी गिरावट आ रही है, अब हम देख रहे हैं कि बलात्कार करने वालों के जुलूस निकाले जाते हैं, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। ये बहुत ही भयानक है, ये बहुत भयानक है इस तरह कि हमें देखना होगा कि ये जो लोग हैं जो बलात्कारियों का स्वागत कर रहे हैं, रेपिस्ट का, मर्डरर्स का स्वागत कर रहे हैं, ये हमारे ही घरों के लोग हैं, ये क्या परवरिश पा रहे हैं। क्योंकि जब हम महिलाओं पर होने वाली हिंसा की बात करते हैं, और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूंगी, हाँ, महिलाओं पर होने वाली हिंसा की बात करते हैं और इसमें बदलाव के बारे में बात करते हैं, तो आमतौर पर यह आता है कि कानून बदल दो। देखिए, कानून बदल देना एक बहुत आसान तरीका है, और कानून में बहुत बदलाव आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त कार्या साहब हैं, हम कार्या साहब की किताबों को पढ़ के हमने LLB किया है सर, तो किताबों में कोई कमी नहीं है, कानून में कमी नहीं है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह है, क्योंकि वहां पर बैठे हुए जो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं उनकी मानसिकता, उनकी जहनियत में भी कहीं ना कहीं पितृसत्ता घुसी हुई है। तो कानून एक तरफ है, लेकिन हमारी सोशल ओरिएंटेशन क्या है, ये कानून हम क्यों इस तरह के हालात पैदा करते हैं जहां हमारे घरों के बच्चे इस तरह की हिंसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और हम उसकी तरफ आंखें मूंद के बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं धर्म, जाति, क्लास और जेंडर, इन सारी चीजों को एंडोर्स कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस का हम क्या करें, क्योंकि कानून एक तरफ है, लेकिन जब तक हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम जो इंसान बना रहे हैं, हमारा जो ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो ही फॉल्टी होगा। मैं थोड़ा सा अलग तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, कोई भी है, वो हमारे बचपन से होने वाले भेदभाव और उन भेदभावों को एंडोर्स किया जाना, वो गैर बराबरी को एंडोर्स किया जाना, या उस हिंसा को सोशली एक्सेप्ट करना, इन्हीं से हम बहुत आत्यंतिक हिंसा को जन्म देते हैं। तो ये पूरा हमारी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। हमें अपने प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने अपने द्वारा किए जाने वाले जो जो कृत्य है, जो एक्शंस हैं, उन एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम ये नहीं कह सकते, मतलब कई मर्तबा हमारे पास जब केसेस आते हैं तो केस में कई मर्तबा पुरुष इस तरह की बात भी कह देते हैं कि देखिए, मैं तो ये करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसी बात की कि मेरा हाथ उठ गया। देखिए, कोई कुछ भी करता है, हम अपना अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब हम ह्यूमन राइट को सच में जमीन पर लाने की बात कर रहे हैं, तब हमें देखना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो वाकई में सेंसिटिव हो। वो सिर्फ महिलाओं के लिए सेंसिटिविटी की बात नहीं है, हम ओवरऑल सेंसिटिविटी की बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम यही हुआ है। मेरी ऐसी समझ है, मेरी जो छोटी समझ इस क्षेत्र में काम करने से बनी है, कि ज्यादातर महिला संस्थाओं ने अपने आप को घरेलू हिंसा के दायरे में ही काम में देखा है, या जब भी हमने पितृसत्ता के बारे में जिक्र किया, तब हमने उसको मैन वीमेन रिलेशनशिप के बीच में ही गैर बराबरी को चेक करने की कोशिश की, और यही मुझे लगता है कि हम गलती कर गए। हमारे बीच में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ शायद वो जाति के मुद्दों पर इतने ही भेदभाव में यकीन रख रहे होंगे, चाहे वो सांप्रदायिकता के मुद्दों पे उतना ही यकीन रख रहे होंगे। तो जब सांप्रदायिकता के नाम पर हिंसा होगी, तब महिला पर होने वाली हिंसा को वो जस्टिफाई करेंगे या चुप रह जाएंगे? वो जाति भेद में अगर विश्वास रख रहे हैं, तो वो जब किसी दलित पर या किसी ट्राइबल महिला पर कोई हिंसा होगी तो वो चुप रह जाएंगे या उसको समर्थन देंगे? तो ये होता रहा है, इसलिए अगर हमें ये चीजों को खत्म करना है, तो सारे जो लोग महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं या किसी भी मुद्दे पे काम करें, हम जहां भी गैर बराबरी पे काम कर रहे हैं, हम जहां भी इनइक्वालिटी पे काम कर रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि हमें इनइक्वालिटी को टोटैलिटी में देखना है। हम उसे कंपार्टमेंट में खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंपार्टमेंट में आपने खत्म किया, ये आपको वहम हो सकता है कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी, बराबरी आ जाएगी, लेकिन तभी जाति के नाम पे चीज खड़ी हो सकती है, सांप्रदायिकता के नाम पे खड़ी हो सकती है, गरीबी के नाम पे खड़ी हो सकती है। तो गैर बराबरी इतने सरों वाली एक मतलब कुप्रथा है, एक बीमारी है, कि उसे अगर खत्म करना है और हम वाकई में ह्यूमन राइट को जमीन पे लाना चाहते हैं, तो हमें इसे टोटैलिटी में देखना चाहिए। ये एक मेरा बहुत अहम पॉइंट है जो मैं कहना चाह रही हूँ। दूसरी अहम बात है कि सिस्टम में
सिस्टम में लगातार हम ये बातें करते रहे हैं, क्योंकि महिलाओं पर हिंसा होगी, गैर बराबरी होगी, या किसी भी जगह पर हिंसा होगी तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पिक्चर में आती है, और जब उनकी बात आती है तो पुलिस की बात आती है, पुलिस है, जुडिशरी है, बाद में ये सारे लोग भी आते हैं। तो लगातार ये बात हम करते रहे कि पुलिस को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है, तो पुलिस को सेंसिटाइज करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना। लेकिन अब हमें ये लगता है कि ये सिर्फ अवेयरनेस का मामला नहीं है, बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, काफी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जो हैं, जिनके पास अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। तो अवेयरनेस तो है वहां पर, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें ये लगता है कि हम किसी को जवाबदेही नहीं है, हमारी किसी को जवाबदेही नहीं है, हम इस पोजीशन पर बैठे हैं तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरा अहम पॉइंट हमारा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का, जो हम अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं देश भर में, कि हम ये कोशिश करें कि अवेयरनेस से बियॉन्ड जाके अकाउंटेबिलिटी के सेक्टर में थोड़ा ज्यादा काम करें। कैसे हम सिस्टम को अकाउंटेबल बनाएं? पहले हमने बात की व्यक्तिगत रूप से अकाउंटेबिलिटी की, कि मुझे अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेनी है। मैं ये नहीं कह सकती ओ ऐसी माहौल हो गया, उन्होंने ऐसी बात कर दी कि मेरा तो हाथ उठ गया, या मैंने गाली गलौज कर दिया, तो ये इस तरह का हम नहीं कर सकते। तो व्यक्तिगत अकाउंटेबिलिटी के बाद में हमें करना होगा हम सिस्टम को कैसे अकाउंटेबल बनाएं, और उसके बारे में अलग अलग ढंग से बात करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब जस्टिस नहीं होता, जब कन्विक्शंस नहीं होते, जब जो लोग क्राइम कर रहे हैं अगर उन्हें उन्हें सजा नहीं होती, तो इससे एक बहुत ही गलत मैसेज पूरी सोसाइटी में जाता है कि ओ देखिए इन्होंने ये किया, क्या हो गया, आराम से दूसरी शादी कर ली, या फिर बलात्कार किया है, घूम रहे हैं, उनको तो बेल आउट हो गए हैं और कुछ नहीं हो पाया इनके साथ में, सबूतों के अभाव में उनको छोड़ दिया गया। ये जब माहौल बनता है तब ये एक मैसेज जाता है कि मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जस्टिस होना, किसी भी जैसे देखिए जब आप विकास की बात करते हैं, मैं तो प्योरली, कई मर्तबा लोग ये कहते हैं कि ओ हो हम तो ये सिविल एंड पॉलिटिकल बात मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, इस सवाल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का नहीं है। आप सोशियो इकोनॉमिक प्योरली आप सेविंग्स एंड क्रेडिट का एक्टिविटी भी चला रहे हैं, तब भी आपको देखना होगा कि गैर बराबरी को आप एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, आप इस देश की डाइवर्सिटी को एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, आपके प्रोग्राम में, आपके इंटरवेंशन एरिया में, आप जिनके साथ एंगेज कर रहे हैं बातचीत में, क्या आप समाज के हर मार्जिनलाइज सेक्टर को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं। तो हमें ये देखना होगा कि हम सिर्फ ये कानूनी जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की भी बात कर रहे हैं, हम कानून अदालतों में होने वाले न्याय की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा समाज में हम एक व्यापक तौर पे मैसेज नहीं दे पाते हैं कि भाई समाज में कानून प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि नहीं तो लोग अक्सर आराम से ये कहते हैं भाई ये तो अंधेरे, ये तो कैसे होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम संविधान हमारा संविधान, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की जो बेस्ट संविधान है उनमें से एक माना जाता है, और वाकई ये है, काफी सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो उस वक्त हम जो यूएन के फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन राइट्स आ रहे थे उसी वक्त हमारे यहाँ संविधान बनने की प्रक्रिया भी चल रही थी। तो हमारा संविधान काफी अपडेटेड है, उसमें काफी सारी बातें, काफी फंडामेंटल राइट्स दिए गए। सवाल यह है कि इन फंडामेंटल राइट्स को हम जमीन पर कैसे उतारें, और इनकी शुरुआत हमारे अपने घरों से कैसे हो, खास करके जहां तक महिलाओं के अधिकार की बात है, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन उनके अपने परिवारों से शुरू होता है। भाई परिवार, हमारा संविधान आर्टिकल 19 में ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन हर महिला को अपने घर से ही ये कहा जाता है तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं, जो कुछ भी तय करेंगे तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो घर से ही चली गई। आर्टिकल 14 एंड 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 एंड 15 हमारे घरों से बेटी चाहिए ही नहीं, बेटों का हमारे यहाँ पर इतना महिमा मंडन हुआ है, इतना ग्लोरिफिकेशन हुआ है, और मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, होता रहे बेटों का ग्लोरिफिकेशन, लेकिन बेटियों का भी ग्लोरिफिकेशन हो, फिर दोनों में बराबरी हो, दोनों का ग्लोरिफिकेशन हो, बच्चों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। तो हम आर्टिकल 14-15 की बात करें, अपने परिवारों से उसका हनन हो रहा है। आप जितने फंडामेंटल राइट्स है 14, 15, 19, 21, भाई लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
महिलाओं, जैसे आप एडोलेसेंट एज में आए, महिलाओं के सारे अधिकारों पे पाबंदियां आती है, उसके मूवमेंट पे पाबंदी है, उसके सजने धजने पे पाबंदी है, उसकी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी है, उसके जीवन साथी पसंद करने के अधिकार पर पाबंदी है, तो आर्टिकल 21 कहाँ है? लेकिन कई मर्तबा अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पर ऐसे जजमेंट भी आए जब ये कहा गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स को हम अपने बेडरूम में नहीं ले जा सकते, तो ये तो ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कस करने की बात है, ये तो मामला ठीक नहीं है। हमें ये देखना होगा कि अगर हमें जिम्मेदार नागरिक चाहिए तो वो नागरिक बनाने की प्रोसेस हमारे घरों से होनी चाहिए। हम अपने घर में सभी को डेमोक्रेसी चाहिए। देखिए जब हम बात करते हैं पब्लिक लाइफ में तो हम सबको चाहिए कि नहीं नहीं हमें तो गणतंत्र चाहिए, हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सेटअप जब हम पब्लिक लाइफ में चाहते हैं हमें अपने घरों में क्यों नहीं चाहिए? तो ये तो मतलब जिसे हम कहते हैं हिपोक्रेसी है कि हम जाति तौर पे व्यक्तिगत तौर पे अपने घर को एक मतलब पूरा जिसके हम कहते हैं सरमुख्तियार बना के रखें, जहां पे कोई डेमोक्रेसी का नाम नहीं है घर में, परिवारों में, रिश्तों में, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हमें लगता है राज्य बिल्कुल नागरिक के अधिकारों को देखे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि घरों में नागरिक बनने की प्रक्रिया हो ही नहीं रही है। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करना चाह रहे हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करना चाह रहे हैं, तो हमें ये प्रक्रिया की शुरुआत अपने घरों से करनी होगी कि हम अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने आप के अंदर कैसे ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाएं। कि जब हम अपने बच्चों को ये कहना बंद कर दें कि तुम चुप रहो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, हम तुम्हारे लिए फैसले करेंगे, तो फिर ये चीज तो फिर स्टेट भी कर सकता है। तो स्टेट जब करेगा तो हमें आपत्ति है, लेकिन हम जब अपने घरों में करेंगे तो वो हमारी सिस्टम है, वो हमारी परंपरा है, वो हमारा कल्चर है। इस तरह की ड्यूअल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड के साथ में हम कोई भी स्वस्थ समाज की रचना नहीं कर सकते। हम कितना ही काम करें हम कंपार्टमेंट में ही पैचअप करते रहेंगे। तो मैं ख्याल से बात को यहाँ पे छोड़ना चाहूंगी कि अगर हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि एक अच्छा स्वस्थ समाज बने, तो इस स्वस्थ समाज की रचना की शुरुआत हमारे अपने घर, अपने रिश्तों से होगी। जब हमारे अपने घरों के और अपने रिश्तों के अंदर बराबरी होगी तब हम राज्य के अंदर भी बराबरी की बात कर पाएंगे। और वाकई में ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का जो पूरी दुनिया में हम आज एक बजा रहे हैं ढोल, और हम भी बड़ा गर्व लेते हैं जब कि भाई हाँ वी आर द लार्जेस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो चीज जो है उसका वाकई में हम फख्र महसूस कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, इस वक्त मुझे ये सबसे पहले ये बोलने का मौका दिया कार्य सर, और अब हमारी जो मीटिंग के और थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संभाषण दिया आपने और अपनी पूरी सिंसियरिटी और स्पिरिट के साथ दिया, हम आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। थैंक यू सर। देखिए अभी बाद में प्रश्नोत्तरी होगी, इसके पहले हम गुजरात से झरनाबेन पाठक को आमंत्रित करना चाहेंगे। झरनाबेन आप आइए, आपका जो तजुर्बा क्या रहा है महिलाओं के मानव अधिकारों बारे में, हम आपसे सुनना चाहेंगे, प्लीज। हेलो एवरीबॉडी एंड नमस्कार सभी को। बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पे और कई लोगों को आज पहली बार जानने को समझने को मिल रहा है। मैं एक्चुअली फोन से ही जुड़ी हूँ, इसलिए मैं अपना कैमरा को स्विच ऑफ करते हुए सिर्फ मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूँ तो आई विल बी एबल टू रीच यू। मुझे जो इस बार टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पे सोफिया बेन ने बहुत अच्छी तरह से उसका एक बेस बनाया है, और उस बेस पे आगे ले जाते हुए मुझे दो बातें करनी है कि जहाँ पे हम सोशल राइट्स की कर रहे हैं उसके साथ साथ हम एक चीज मुझे आज जो बात करनी है वो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट को दोनों को जोड़ के बात करनी है। जब हम यूएन का चार्टर जब इक्विटी डेवलपमेंट एंड पीस 1975 को जब हमारे स्टैंप लगा यूएन चार्टर पर, तब हमने बहुत सारे चीजों पे अपना प्रॉमिस दिखाया था, जैसे कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में हमने तब 1976 में बोला था कि हम सभी को समान पे देंगे, समान वेजेस देंगे। वो कहाँ हद तक उस हम कहाँ है उस पे, ये सवाल हम सभी को शायद काम करने वालों को सताता है।
ये जब हम काम के स्तर पे जब बात करते हैं, तब हमने देखा है कि वो फॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर हो या इनफॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर हो, विमेन का पार्टिसिपेशन तो है, और विमेन शायद डबल और ट्रिपल बर्डन है। वो घर का तो काम करती है क्योंकि उसी के हिस्से में घर का काम आता है, लेकिन बाहर का काम की जवाबदारी भी वो उठाती है। और खास करके पेंडेमिक के बाद जहाँ पे पुरुषों का जॉब पे खतरा आया, तो ये जो फ्रंट है वो बहनों ने बहुत बखूबी निभाया। लेकिन उस पे हम खुश हो या दुखी, वो एक सवाल है, क्योंकि वो घर पे उसका रोल चेंज नहीं हुआ है, मार खाने का रोल में भी कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन कमाने में पक्का वो दिख रहा है कि आया है। लेकिन ओवर द पीरियड हमने ये भी देखा है कि कौन से स्तर की महिला काम करती हैं, तो ज्यादातर जो लो इकोनॉमिक क्लास है, जो पॉवर्टी रिडन क्लास है, वहां की महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। इन टर्म्स ऑफ डिसीशन मेकिंग अगर देखा जाए, तो डिसीशन मेकिंग जैसे हमारे घरों में है वैसा बाहर है। डिसीशन मेकिंग में इनका रोल इज नेक्स्ट टू मिनिमम, तो वो दिखाता है कि आप पार्टिसिपेट तो करते हैं मगर डिसीशन में आपका आपका रोल इज नेग्लिजिबल। नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू लीगल सर्विसेज, वो भी अगर देखा जाए तो बहुत इनएडिक्वेट है। महिलाएं बहुत बहुत बार केसेस नहीं लड़ना है करके हिम्मत हार के निकल आती हैं, और जो परिस्थिति है उसका सामना वो नहीं कर पाते। हमने बहुत सारे जब वर्क फ्रंट जो इकोनॉमिक फ्रंट बहुत सारे नियम महिलाओं के लिए बनाए हैं, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स है, फैक्ट्री एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वुमेन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एक्ट्स हैं। लेकिन अभी एक साल पहले ही जब लेबर लॉस को 44 लेबर लॉस को एक कंपाइल करके 4 लेबर लॉस में बदले गए, तो लेबर का वॉइस वाज एक्चुअली नेक्स्ट टू जीरो। मुझे ऐसा था कि फार्मर्स एजिटेशन जब हुआ तब लेबर एजिटेशन भी अगर साथ में होता तो इट वुड हैव एक्चुअली सर्व द पर्पस। लेकिन शायद ये वॉइस कि लेबर लॉस को हम बहुत हद तक खत्म कर रहे हैं, वो मैसेज शायद हम पहुंचाने में नाकामयाब रहे थे। और इस वजह से जब लेबर लॉस खतरे में आता है तो विमेन जो वर्क फ्रंट में है दे आर एट अ लॉस, तो वो चीज हमें याद रखनी है। बहुत हम अगर वर्क फ्रंट की बात करते हैं तो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और फॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें डिफाइंड है, जैसे आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होना चाहिए, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लागू होना चाहिए, क्रेशेस इन इंडस्ट्रीज जहाँ पे 30 से ज्यादा महिलाएं हैं वहां पे होनी चाहिए, लेकिन क्रेशेस इन सर्विस सेक्टर इनका तो शायद इनके बारे में शायद कोई प्रोविजन ही नहीं है। देर इज अ मैंने फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो आते हैं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स पहले तो विद द लेबर डिपार्टमेंट का जो फंडिंग है उसमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स एडिक्वेट है या नहीं, वो एक सवाल है। और फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स अगर आते हैं तो वो किसकी किसकी किसके लिए काम करते हैं। हमने ये देखा है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स काम करते हैं ज्यादातर एम्प्लॉयर्स के फेवर में रादर देन एम्प्लॉयज के फेवर में। तो ये दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द फैक्ट्री एक्ट। बट मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट्स में जो इनफॉर्मल जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें मैटरनिटी बेनिफिट का प्रोविजन है, लेकिन जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है जहाँ पे ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट्स शून्य मात्र है। अब जब मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तब हम सब जानते हैं कि 94% हमारी जो लेबर फोर्स है जो काम करने वाले जो पॉपुलेशन है वो सारे इनफॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर में है, और सिर्फ 6 से कम शायद परसेंट वो फॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर में है। तो हम जो बहुत
सब छूट जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लेबर लॉज, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं. अब इन टर्म्स ऑफ द इनफॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, तो क्योंकि वहां पे वर्क सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटीज नहीं है, बहुत लो वेजेस पे, अब कई बार मिनिमम वेजेस भी नहीं दिया जाता है वैसे कंडीशंस पे, और वेरी बैड वर्किंग कंडीशंस पे लोग काम करते हैं. एंड अगर आप देखा जाए तो ये इनफॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर में ज्यादातर महिलाएं हैं और वो काम करती हैं. अब दूसरी बात कि इनफॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर में अगर हम, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है टू से कि भी सर्विस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, तो कल को अगर हमें एक्चुअल स्टेटस का पता लगाना हो तो देर इज नो वे वी कैन फाइंड आउट कि सर्विस सेक्टर पे ठेला वाले, घर पे काम करने वाले कितने पॉपुलेशन है जो यहाँ पे एम्प्लॉयड है. अब जहाँ पे सिक्योरिटी प्रोविजंस नहीं है वहाँ पे उनका उनका हेल्थ का कंसर्न्स है, उनके बच्चों का एजुकेशन का कंसर्न है, उनका बेसिक बेसिक इनकम एंड सोशल सिक्योरिटी का कंसर्न है. इस स्थिति में अब आप SEZ लाए हैं जहाँ पे विमेन एंड चाइल्ड लेबर फोर्स बहुत चीपली अवेलेबल है अंडर हार्श वर्किंग कंडीशंस, तो हम ह्यूमन राइट्स, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ये बहुत सारे पैमाने पे ह्यूमन राइट्स देखा गया कि है कि इट डजंट वर्क एज पर द रूल्स दैट गवर्न अस. और जब हम वर्क कंडीशंस बोथ फॉर्मल एंड वर्क स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो जहां तक बात आती है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट की, अब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, हमने आगे भी जब हमने प्रोटेक्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बात किया था तब हमने इसके बारे में बात किया है कि जहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट का प्रोविजन दिया गया है, लेकिन कितने वर्क प्लेसेस में ये इंटरनल कमिटीज है, और अगर है तो वो किस स्तर पे है. बहुत सारी जगह पे, जैसे मैं यूनिवर्सिटी सेटअप में, मैं एक ICSSR के सेटअप में काम करती हूँ अलॉन्ग विद आवाज, तो बहुत सारी NGOs में इंटरनल कमिटीज नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस में इंटरनल कमिटीज हैं तो ऑन पेपर है, एक बार भी वो मिली नहीं है, और उनका जो हेड है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनल कमिटी है, वो इट इज मेनी अ टाइम्स इलेक्टेड सिलेक्टेड बाय द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो सिलेक्शन ऑब्वियसली इट हैपेंस बिकॉज द पर्सन ड्रॉज इन लाइन विद द पावर. तो जो हाँ में हाँ मिलाए उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, एंड दैट इज आर एक्सपीरियंस विद गुजरात यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी एंड मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट वी आर एसोसिएटेड विद. लेकिन ये सब यूनिवर्सिटीज में क्योंकि बहुत सारे केसेस आए हैं तो काफी इनका नाम उछला है. तो जब हम सेक्शुअल हेरेसमेंट की बात करते हैं तो इंटरनल कमिटी इज विद द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कहाँ है हम? तो लोकल कंप्लेंट कमिटी, जहाँ पे इनफॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे ऐसी महिलाएं जो वर्क प्लेसेस पे काम करती है जहाँ से 10 से 10 से कम एम्प्लॉयज हों, वो महिलाएं लोकल कमिटी में अपना केस अपने जो अब्यूजेस हैं वो वहाँ पे रिपोर्ट करती हैं. और ये एक्ट हमें ये बताता है कि एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकल कंप्लेंट कमिटी सेटअप होनी चाहिए जो ये केसेस को रजिस्टर करे. गुजरात में ये देखा गया है कि अहमदाबाद में ही, मैं आपको बताऊं कि एक तो हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और अहमदाबाद में बताऊं तो ओनली इन 2018 बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी, अ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, ये लोकल कंप्लेंट कमिटी सेटअप हुई है. लास्ट ईयर हमने ट्राई किया कि लोकल कंप्लेंट कमिटी के पास कितनी ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट आते हैं, तो हमें पता चला कि सिर्फ 40 ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल कमिटी के रिपोर्ट्स ये लोकल कंप्लेंट कमिटी के पास आते हैं. इनका ये मतलब है कि देर इज नो विल
टू सी टू इट कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इम्प्लीमेंट हो। दूसरा केस जो मेरे ध्यान में आता है वो है स्वामीनारायण टेम्पल एट भुज, वहाँ पे स्ट्रिप चेकिंग हुआ है टू सी टू इट कि मेंस्ट्रुएशन के वक्त महिलाएं लड़कियां जो वहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल था वहाँ की महिलाएं हॉस्टल्स में लड़कियां हॉस्टल्स में गई हैं या नहीं, उसका उनका स्ट्रिप चेकिंग हुआ। वो स्ट्रिप चेकिंग की वजह से हमने पीआईएल दर्ज कराई और पीआईएल के येट टू वो हियरिंग होना बाकी है और उनपे कोई एट द लेवल ऑफ द कॉलेज एंड द स्कूल वो जो पावर पे बैठे थे उन पे एक्शन भी अभी तक लिया नहीं गया है। और लड़कियों ने बिकॉज ऑफ वेरियस प्रेशर्स बहुतों ने बैक ट्रैक कर भी लिया है। तो मैंने मोटा मोटा बताने की ये बात है कि मैंने पावर प्ले जहाँ पे है वहाँ पे ये सारे लॉज का वायलेशंस इज हैपनिंग एंड हैपनिंग एट अ वेरी बिग स्केल। और ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, सिर्फ हम आंख बंद कर रहे हैं, देयर इज समथिंग एल्स। पुलिस के पास आप रेप का केस को लेके जाओ और बोले कि पुलिस दर्ज नहीं करती है, हम डीजीपी के पास केस लेके गए थे और उनका सिर्फ एक लाइन का आंसर था कि ये मेजॉरिटी इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। दैट इज द रेस्पॉन्स दैट वी गॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग ऑफिस। तो ये दिखाता है कि हम हमारे लॉ में जुडिशियरी में हम कहाँ पे हैं। तो सोशल ऑडिट की बात यूएन ने कही है, सोशल ऑडिट की बात इंटरनल कन्वीनेंस में हमने बात की है, लेकिन सोशल ऑडिट्स कितने ऑर्गेनाइजेशंस का होता है वो आप और हम दोनों जानते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो MNNREGA महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम केम इन अ वेरी बिग वे। ये शायद हमारा सबका ध्यान खींचा कि यहाँ पे क्योंकि महिलाएं ज्यादातर ये पर्टिकुलर स्कीम में अपना एम्प्लॉयमेंट ले सकती हैं तो इट वुड बी अ गुड स्कीम टू बिगिन विथ। लेकिन यहाँ पे भी पाया गया है कि बहुत बार मशीन्स का उपयोग किया गया है। यहाँ पे भी देर वॉज द डिफरेंस इन पे स्केल इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ वर्क दैट दे इन्वॉल्व इन। यहाँ पे भी ये देखा गया है कि फैसिलिटीज नहीं है, क्रैश नहीं है, शेल्टर्स नहीं है, बच्चों के लिए स्कूलिंग्स का व्यवस्था नहीं है, स्किल का अपग्रेडेशन की बात नहीं है। तो एट वेरियस फ्रंट्स वी फॉल्टर। तो डिस्पाइट एक जमाना था जब लेबर लॉस डिस्पाइट इट वॉज वर्किंग और आज लेबर लॉस को जब कंपाइल किया गया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो तो अभी तक हमें मालूम नहीं है। डिस्पाइट दैट देर इज नो वॉइस दैट इज कमिंग आउट। और ये वॉइस क्यों नहीं है और आप और हम ह्यूमन राइट्स का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उसमें हमने सेलिब्रेशन का कल माने 10th of December को प्रोटेस्ट का हमने परमिशन मांगा। हमको बोला गया कि आप ह्यूमन राइट्स डे का सेलिब्रेट कीजिए, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स डे इज ऑल अबाउट आस्किंग फॉर द राइट, इट इज द प्रोटेस्ट टू गेट एंड एसर्ट द राइट। Now, I don't know what do these powerful people mean by celebration. Celebration of what? Celebration of giving away economic rights? Celebration of giving away social rights that we once had? ये सारे सवाल हैं, वो शायद हम आपस में discuss करके then I think we should come up with some mechanism जहाँ पे हम आगे ले जा सकें। I stop here and Karya sir, thank you very much. जी धन्यवाद, बहुत बहुत जी शैलेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में मनोज जैना जी हैं, श्री मनोज जैना जी। एक्चुअली काफी टेक्निकल प्रॉब्लम वॉइस में हमें लगता है आ रही थी, आप बार बार
लॉग आउट और लॉग इन कर रहे थे, तो शायद अब आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। नाउ इट इज ओके। ओके, धन्यवाद आपका। तो हमारे बीच में श्री मनोज कुमार जेना जी हैं जो भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। आप वर्तमान में जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली है उसके आप कोर मेंबर्स हैं और आप ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल चेयरपर्सन। आप सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस भुवनेश्वर उड़ीसा के भी आप अध्यक्ष हैं और कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और इस तरह से सिविल सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा बिना समय गुजारे हुए हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप अपने विचार इस कार्यक्रम में रखें। मनोज जेना जी। थैंक यू शिवानंद जी, थैंक यू वेरी मच। आज 77th नेशनल वेबिनार जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड आरटीआई पर हो रहा है, मुझे आप मौका देने में जो आपने जो जिम्मेदारी दिया है, मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे वी हैड ऑब्जर्व 74th इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। दिस ईयर द थीम वाज All human, all equal. सबका मानव सब समान है, और ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 1 से लिया गया है। हम जानते हैं कि ये जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज के, अभी कुछ दिन पहले हमने नागालैंड का बात देखा कि 14 इनोसेंट जो लोगों ने कैसे मार दिया गया, और ऐसे बहुत सारा ऐसे वायलेशन हो रहा है, चाहे बच्चों पर हो, चाहे महिलाओं पर हो, चाहे बुजुर्ग पर हो, चाहे बेसिक राइट्स को लेके हो, चाहे जंगल जमीन अधिकार को लेकर हो, ट्राइबल राइट्स का हो। ये सब हम जानते हैं कि जो बेसिक राइट्स लोगों को मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल पा रहा है। हम इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स हमको इंडिपेंडेंस हो गया है। आज भी हम देखते हैं जब पीछे मुड़ के कि जो फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए इतना जान कुर्बान करके ये आज़ादी दिलवाया, आज हम देखते हैं कि चाहे एजुकेशन में हो, दो एजुकेशन बड़े, शिक्षा में दो, एजुकेशन में दो, हर एक स्थिति में अभी दो। हम जब बात बोलते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलते हैं, एक संविधान एक विधान के बाद बोलते हैं, तो ये दो का क्यों बर्म हो है? गरीब लोग के लिए एक एजुकेशन, बड़े बड़े के लिए एजुकेशन, गरीब लोग के लिए के एक शिक्षा का जो हेल्थ का व्यवस्था, बड़े बड़े लोग के एक हेल्थ का व्यवस्था। तो ये सब स्थिति में हम है, जो चाहे वो महिलाओं पर हिंसा हो, बच्चों पर हिंसा हो, ये दिन में दिन वायलेंस बढ़ता जा रहा है। और खासकर जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स है जो काम करते हैं, तो उन पर भी एट्रोसिटी हम देखते हैं कि टॉर्चर हो दिन में दिन बढ़ जा रहा है। तो हमारा ये जो वायलेशन हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल्स राइट से हमको जो मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल दिया है कि राइट टू लिव विथ डिग्निटी, सम्मान और मर्यादा के साथ हमको जीना है, लेकिन आज की स्थिति हम देखेंगे कि पॉवर्टी के इंडेक्स देखेंगे, आप तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखे हैं, भारत आज आउट ऑफ 139 में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है हमारा पोजीशन। हम अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें तो हमारा और भी खराब स्थिति है, आउट ऑफ 131 है। हमारा पड़ोसी राष्ट्र भूटान हमसे ज़्यादा अच्छा खुशी है, लेकिन इंडिया का स्थिति बहुत ना कहने का बराबर है। तो ये स्थिति है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का बात करो बा ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड का बात करो, तो हमको ये सब हम अगर देखते हैं कि आज जो वायलेशन तो एक तरफ बढ़ता जा रहा है, और वायलेशन कौन करता है? वायलेशन बाय स्टेट एक्टर, बाय नॉन स्टेट एक्टर, ये दो हम तो जानते हैं। नॉन स्टेट एक्टर जो क्रिमिनल हो, जो उसके हिसाब से हम वायलेशन होता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है जब स्टेट एक्टर जो अधिकारी लोग होते हैं, जो सरकार में हमारा तनख्वाह लेके जो काम करते हैं, अगर हमको हम पर वो अत्याचार करते हैं, जैसे पुलिस का अत्याचार हो, मिलिट्री का अत्याचार हो, सरकारी अधिकार का अत्याचार हो, कि ये सब अगर
करते हैं तो सबसे बड़ा ये दुख का बात होता है। हम जानते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जितना सब केस जाता है ज्यादातर पुलिस के एट्रोसिटी का केस होता है, चाहे कस्टोडियल डेथ हो, चाहे फेक एनकाउंटर हो, चाहे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, ये सब दिन में दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है कि इसीलिए हम आजादी के लिए लड़े थे कि आज के दिन में वही ब्रिटिश पुलिस जैसा हमको जो भी देखना पड़ेगा। तो ये सब तो एक सभ्य समाज का रचना नहीं था, तो सिविल सोसाइटी का ये रचना नहीं था, ये तो राइट टू इक्वालिटी का बात नहीं है, तो राइट टू लिव विथ डिग्निटी का भी नहीं है। तो इसको हमको देख के हमको लगता है कि जरूर हमको कुछ करना चाहिए। तो आज जो ये आलोचना हम कर रहे हैं तो उसमें बड़ी चीज होता है कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, हम जो आज का सब्जेक्ट है कि हमको कैसे हमको ह्यूमन राइट्स को जो वायलेशन हो रहा है हम कैसे और किस मैकेनिज्म से हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो और खासकर जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमको मिला है इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो हम जब ग्रास रूट में हम काम करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स काम करते हैं, वो अगर ऐसा कुछ वायलेशन आता है, ज्यादातर हमको इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, दो तरह इंफॉर्मेशन मिलता है, एक तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन और दूसरा है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो हमको डायरेक्ट जो ग्रास रूट से मिलता है और विक्टिम आके हमको बोलता है कि ऐसे ऐसे वायलेशन उन पर हुआ है, और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हमको थ्रू मीडिया सोर्सेज से मिलता है और थ्रू गवर्नमेंट सोर्सेज से मिलता है। और गवर्नमेंट सोर्सेज से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम आरटीआई यूज करके हम उसको इंफॉर्मेशन पाते हैं। तो एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अगर उनके पास इंफॉर्मेशन अब आता है तो सबसे पहले वो एक फैक्ट फाइंडिंग करता है, क्योंकि वो जांच पड़ताल करना चाहिए वो कहाँ बात सही है और नहीं है। तो इसीलिए द ह्यूमन राइट्स डिफेंडर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू हैव ए फैक्ट फाइंडिंग। वो फैक्ट फाइंड जैसे पुलिस अधिकारी है, वो अगर केस वो एक एफआईआर उनके पास गया तो वो पहले उसको आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको तदन करता है। तो ऐसे ही हम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हम जाते हैं विक्टिम के पास जाते हैं, विटनेस के पास जाते हैं, ऑफिशियल के पास जाते हैं और परपेट्रेटर के पास जाते हैं। ये चारों को मिला के हम एक फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। खासकर वो जो हम बात करते हैं उसमें कुछ तथ्य हम लेके जाते हैं और कुछ तथ्य भी हम ग्रास रूट से हमको कलेक्ट करना पड़ता है। हम उनके साथ वैसे इंटरव्यू करते हैं जैसे वो अपने बात को वो कह पाए, उनके ऊपर जो वायलेशन हुआ है वो वायलेशन को वो पूरा खुल के कह सके। अगर वो हम वो मैंडेट और स्टैंडर्ड हम मेंटेन नहीं करेंगे तो वो जो ट्रूथ का हम रिवील नहीं कर सकते। इसीलिए हमको एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर होने के नाते हमको वही मैंडेट को फॉलो करना चाहिए, किसी तरह कैसे हम फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, कैसे हम जाके ओपन माइंडेड होके करेंगे ताकि एक विक्टिम्स वो अपना दर्द दुख हमसे शेयर कर सके। और उसको मॉनिटरिंग भी हम करते हैं, केस को टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर का काम सबसे बड़ा आता है। एक जर्नलिस्ट भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हो सकता है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए हर एक दिन कोई ना कोई मसाला चाहिए, लेकिन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर आज जो विक्टिम का केस पकड़ता है उसको लास्ट एंड तक, उसको लॉजिकल एंड तक उसको लेता है ताकि उनको जस्टिस मिल सके। तो एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर का रोल बहुत एक बड़े दायरे में होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट भी क्रूशियल भी होता है। तो इसलिए हमको वो टेक्निक अप्लाई करता है, पड़ता है कैसे हम मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे उनको सुपरविजन करेंगे और उसके होने के बाद उसको कैसे हम रिपोर्टिंग करेंगे और एक अच्छा सा केस हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है ताकि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उनका अगर सही सही ढंग में उनका जो घटना घटी है अगर उनको हम ठीक तरह से हम अपना रिपोर्ट में हम प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो वो जस्टिस उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमको जो खासकर रिपोर्टिंग का ध्यान देखना पड़ेगा और रिपोर्टिंग हम जब करते हैं इसलिए हमको कुछ इन्फॉर्मेशन हम आरटीआई के तरफ से हमको मांगना चाहिए। सपोज
एफआईआर का कॉपी अगर पुलिस ऑफिसर नहीं देता है, हम आरटीआई से उसको मांग के ला सकते हैं। कुछ कोर्ट का कॉपी भी आरटीआई से मांग के ला सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट का जो तथ्य, अगर कुछ पब्लिक इशू होता है तो पब्लिक इशू को हम थ्रू आरटीआई यूज करके भी हम उसको ले सकते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स का जब आप अगर कोई इंटरवेंशन करना चाहते हैं, आरटीआई हमको ये बड़ा मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। तो इसको ह्यूमन राइट्स डिफेंडर इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट में हमको जो केस को लेकर हम कोई प्रॉपरली इंटरवेंशन करना चाहिए। अगर हम इसको कोई अधिकारी के पास लेते हैं तो प्रॉपर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो अथॉरिटी है और इंस्टीट्यूशन है तो उनको पास हम लेके जाते हैं। अथॉरिटी से हम इंटरवेंशन करते हैं, अगर अथॉरिटी से कोई हमको मदद नहीं मिलता है फिर हम ग्रीवेंस रिड्रेसल जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है, चाहे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, वुमेन कमीशन हो, चाइल्ड राइट्स कमीशन हो, जो भी कमीशन हो, जो भी अथॉरिटी हो, तो उनको पास हम जाके इंटरवेंशन करते हैं ताकि हमारे एक विक्टिम उसको कैसे जस्टिस मिले। तो ये हमारा प्रक्रिया होता है। तो इसीलिए तो ये जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में वो हम इस्तेमाल करना चाहिए। और एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अपने आप को पूरा अनबायस्ड होके, कोई प्री कंसिप्ट माइंड ना लेके, वो एक नेक दिल से जस्टिस देने के लिए, विक्टिम को जस्टिस देने के लिए वो काम करना चाहिए। और ये सब टेक्निक अपनाना चाहिए और आरटीआई का भी यूज करना चाहिए ताकि वो जिसके लिए हम लड़ रहे हैं तो उसको कैसे हम न्याय दिला सके, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसी बात को लेकर मैं मेरा वक्तव्य शेष करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जैना जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला है कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के जो रोल हैं वो क्या होने चाहिए और किस तरह से उनको सोसाइटी में काम करना चाहिए। मतलब जिस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस तरह से जांच करना है हमें कि एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव रख करके समाज में जा करके जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके बीच में जा करके कैसे उनसे सच्चाई के साथ में, और कैसे वो हमारे समक्ष ओपन हो पाएँ और किस तरह से अपनी बातें रख पाएँ जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन में अपना योगदान दे पाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने अपने विचार साझा किए और इस कार्यक्रम में आने और आपके इस इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि भविष्य में भी आप इसी तरह से हमारे बीच में जुड़े रहेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि हमारे देश में अभी भी पुलिस की जो स्थिति है वो अंग्रेजों के जमाने की पुलिस जैसी है, और वो तो हम हमेशा ही देखते हैं, पर इसका समाधान क्या होगा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कमीशंस ये जो हैं इसमें कितना रोल प्ले कर पाएंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एनएचआरसी के ही बहुत सारे इशू हैं और साथ में स्टेट लेवल्स के ह्यूमन राइट्स कमीशंस के बहुत सारे इशूज़ हैं जो बहुत अच्छी तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये जो कमीशन बने हुए हैं इस सरकार के हाथों की कठपुतली और सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए ना हो करके वास्तव में ग्राउंड में काम करें, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं, ये इश्यूज हम उठाते रहते हैं, और हमने ये देखा है कि आप ह्यूमन राइट्स कमीशन, चाहे वो एनएचआरसी हो चाहे स्टेट एचआरसी हो, आप वहाँ पर अपने मुद्दे रखते हैं, लोगों की समस्याएं आप रेज करते हैं, लेकिन होता ये है कि उनका एक सिंपल सा सब एक पोस्ट ऑफिस की तरह पत्राचार का जो उनका वो है पत्र व्यवहार हो करके, और वही जानकारियाँ जो मतलब हमने ये देखा है कि यदि वायलेशन हुआ है तो वो लोकल पुलिस ने किया है या किसी यहाँ की अथॉरिटी ने किया है, तो फिर जांच का जो दस्तावेज है कि उनसे जो प्रतिवेदन मांगने की जो प्रक्रिया है वह यहाँ से क्यों होती है, वो उनके पास क्या ऐसी कोई मशीनरी नहीं है? ठीक है, मशीनरी नहीं है तो वो स्टेट डिपेंडेंट हैं, लेकिन इसके लिए वो तो एजेंसी नहीं होनी चाहिए, उससे तो प्रतिवेदन नहीं लेना चाहिए, उसी से वही बात तो नहीं मांगना चाहिए कि वही थाना प्रभारी या वही जो बीट प्रभारी है जिसने वायलेशन किया है उसी से हम यदि मांगेंगे कि इसमें आप जानकारी दीजिए तो जाहिर है वो वही जानकारी देते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम आगे भी इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे बीच में श्री प्रवीण पटेल जी हैं, वो अपने कुछ हार्डकोर अनुभव साझा करना चाह रहे हैं और उन्होंने वो कुछ अपनी बात बताना चाह रहे हैं। तो श्री प्रवीण सर, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद साथियों। मैं मनोज भाई की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव को लेकर। जो फैक्ट फाइंडिंग की बात की, आज मनोज भाई काफी फैक्ट फाइंडिंग किए हैं इसलिए वो जानते हैं कि हकीकत क्या होती है।
मेरा भी फैक्ट फाइंडिंग का काफी बड़ा अनुभव है। गोरखपुर में जो करीब 70-80 बच्चे मर गए थे लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके अंदर में जब हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे तो हमें होटल छोड़ के चले जाने की धमकी मिली। हमारे जो ड्राइवर्स थे, गाड़ी जो किराए के लिया था, उसको भी बता दिया कि यदि आप कल फिर इनके साथ गए तो फिर आप भी गाड़ी यहाँ नहीं चलाने पाओगे। इस प्रकार की थ्रेट्स जो है मिलना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए यह मामूली बात है। वी एक्सपोज्ड द गोरखपुर इंसिडेंट कि जो ऑक्सीजन की कमी थी जिसके कारण हुआ, वो ऑक्सीजन की कमी इसलिए हुई थी कि वहां पे कमीशन का खेला था कि नाक दबाओ पैसा देगा, बिना कमीशन का गैस नहीं चाहिए हमें। और बहुत सारी बातें हैं, वी हैव गॉट द रिपोर्ट्स। हाईकोर्ट में भी जाने की बात चली, जो बहुत सारी सारी बातें, मैं अभी उसके अंदर आगे न जाके दूसरी बात कर रहा हूँ। अभी जो नागालैंड की बात किया, जो कुछ 13-14 लोग जो इनोसेंट लोग मर गए हैं, आसाम राइफल्स की रिकॉर्ड है कि एनकाउंटर किलिंग्स के अंदर में दे हैव बिकम चैंपियन इन द वर्ल्ड। मैं कुछ जो उसका अनुभव है, एक मिनट में रिकॉर्ड देख रहा हूं। यस, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिटीजन्स ग्रुप को कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए इंफॉर्मेशन हमें कि 1528 पॉसिबल फेल एनकाउंटर्स ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट मेनली बाय आसाम राइफल्स। जस्ट अ मिनट। यस, बबलू एक एडवोकेट है जो आसाम राइफल में एक तो जो सिपाही था जिसका मैं नाम अभी नहीं देना चाहता हूं, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन द क्लोज्ड रूम एफिडेविट के साथ इंफॉर्मेशन दिया है कौन कौन ऑफिसर ने उसको किसको किसको मारने के लिए कहा था। किसी को सोते हुए मारा है, किसी को दुकान में सामान खरीद रहा था वहां पे मारा है, किसी को कोई काम कर रहा था वहां पे जाके उसको मारा है। इनोसेंट पीपल टू स्क्वेयर वॉट एवर इट मे बी, दिस एंटायर रिकॉर्ड इज अवेलेबल इन द सुप्रीम कोर्ट। 1528 किलिंग्स। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, दंतेवाड़ा के अंदर सलवा जुड़ूम के नाम से क्लिनजिंग ऑफ विलेजेस, ये एक एमओयू हुआ साइन, उसके 24 घंटे के अंदर सलवा जुड़ूम चालू हो गया। और सलवा जुड़ूम का मतलब होता है पीस मिशन। 644 गांव को जलाया गया है, कई लोगों को मारा गया है, कुलाड़ी से भी लोगों को काटा गया है, और इसकी वीडियो क्लिप अवेलेबल है। जो सरपंच है वहां पर, उसने कहा कि मेरे सामने ये सब हुआ है। मैटर कोर्ट में गया, एनएचआरसी में कंप्लेन मैंने फाइल की, एनएचआरसी ने डीजीपी को इंक्वायरी के लिए भेजा, हमने प्रोटेस्ट किया कि इन्हीं की पुलिस ने मारा है, वो कैसे आपको रिपोर्ट देंगे। एनएचआरसी सेज वी आर हेल्पलेस, हमें पुलिस छोड़ के दूसरी मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। एनएचआरसी के जो चेयरमैन थे राजेंद्र बाबू, उनसे मैंने अपॉइंटमेंट मांगा, पर्सनल अपॉइंटमेंट, कि सर आप पूरी बात सुनिए हमारी। उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, 20 मिनट की अपॉइंटमेंट एक घंटा चली, और उन्होंने कहा आई एम सॉरी मगर हम डिस्पाइट आई एम द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी आवर हैंड्स आर टाइट, हमें स्टेट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो मैं मनोज भाई की इसी बात को आगे जो यही सपोर्ट कर रहा हूँ, एनएचआरसी इज ए लायन बट इट हैज नो टीथ, उसके पास में काटने के लिए दांत तक नहीं है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो मिनिमम चेयरपर्सन जो होना चाहिए वो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कौन था, डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ मिनिस्टर का चाचा लगता था, उसको बनाया, उसके खिलाफ कंप्लेन दी है कि सर हाउ कैन पर्सन जो एलिजिबल नहीं है, हाउ कैन ही बिकम द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। राजेंद्र बाबू का जवाब था आप तो चेयरमैन की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स भी सब गलत गलत सिलेक्ट हुए हैं, बट वी डोंट हैव एनी चॉइस, हमारे पास कोई मैकेनिज्म सुधारने का हथियार नहीं है। तो अवर एम्फेसाइज शुड बी हाउ टू स्ट्रेंथन द
पावर ऑफ द एनएचआरसी एंड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उनके पास पावर होना चाहिए, अधिकार है, जांच करो, रिपोर्ट दो, कंपेंसेशन दो, मगर किसी को सजा देना है वो नहीं कर सकते। किसी के इंक्वायरी करनी है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, वो पावर नहीं है। वी शुड डिस्कस ऑन दिस इश्यू, दिस आर द मेजर इश्यूज। थैंक यू सर। अच्छा, और एक मिस्टर चंद्रन पिचोली जी है, इफ पॉसिबल आप उनको दो चार मिनट के लिए बुलाइएगा। इज ए फॉर्मर नेवी ऑफिसर। बिल्कुल सर, उसके भी कुछ अनुभव है जी। जब तक थैंक यू जी, जब तक मैडम नहीं आ पा रही हैं, याग्निक मैडम नहीं आ पा रही हैं, अमी बेन जी, तो आप बुला सकते हैं पिचोली जी को, प्लीज इनवाइट हिम। चंद्रन जी सुन रहे हैं? मिस्टर चंद्रन पिचोली फ्रॉम बेंगलोर। मैं अभी देखा था इनको। चलिए, तब तक आप आगे चले, वो देखेंगे तो मैं बुला लेंगे। ओके सर, तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और माननीय श्री आत्मदीप जी को हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि कार्यक्रम में वो ह्यूमन राइट्स से संबंधित बेसिकली आरटीआई तो पुलिस विभाग के विषय में समय समय पर बहुत सारी लगती रहती हैं, लोग लगाते रहते हैं, तो जहां पुलिस विभाग की आरटीआई लगे वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आखिर लोग जानकारी क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि वहां पे उनको दिक्कत है। तो इस तरह से बहुत मामले आपके पास सर होंगे, और इसको आरटीआई से अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आरटीआई के इसमें कहां क्या कैसे रोल रहेगा, प्लीज आप अपना व्यू रखें। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले आज के विषय की थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे। ये मानवाधिकारों का को वैधता देने की शुरुआत कहाँ से हुई है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में एक घोषणा पत्र पारित किया था जिसे कहा गया मानवाधिकारों के लिए सार्वभौम घोषणा पत्र, यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस घोषणा पत्र में मनुष्य के उन सब अधिकारों को शामिल किया गया जो हर इंसान को स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने चाहिए, उनका वो हकदार है। तो जीवन से जुड़े तमाम अधिकार, इन मानवाधिकारों में मनुष्य के भोजन, पेयजल, चिकित्सा और स्वास्थ्य, कानूनी संरक्षण और सहायता, पोषण, पोषक आहार, शिक्षा, रहवास, शासन व्यवस्था में भागीदारी, सामाजिक अंकेक्षण, समान अवसर, मजदूरी, नौकरी से जुड़े सवाल, जलवायु, पर्यावरण, माता पिता और बच्चों से जुड़े विषय, विकलांग, गिरफ्तारी, खेद, हर तरह के उत्पीड़न आदि से जुड़े तमाम अधिकार इस घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं। और सूचना के अधिकार को भी सबसे पहले इस घोषणा पत्र में ही उल्लेखित किया गया और दुनिया भर के देशों से अपील की गई इसी मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में कि वो अपने हर नागरिक को सूचना का अधिकार दे। इस घोषणा पत्र में आरटीआई के बारे में सबसे बड़ी बात ये कही गई कि सूचना का अधिकार मनुष्य को प्राप्त सभी स्वतंत्रताओं की, मनुष्य को प्राप्त सभी अधिकारों की मूल धुरी है। एक बहुत मार्के की बात इस घोषणा पत्र में आरटीआई के लिए कही गई। और इस घोषणा पत्र यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो अधिकार उल्लेखित किए गए हर मनुष्य के, उनके आधार पर बहुत से देशों की सरकारों ने अपने संविधान में जरूरी प्रावधान किए या अलग से कानून बनाए। हमारी सरकार ने भी इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत सरकार ने, इसलिए ये हमारी देश की सरकार का दायित्व है कि वो देश के हर नागरिक के लिए निर्धारित मानव अधिकार लागू करें, उनकी रक्षा करें, रक्षा करने के उपाय करें। इसीलिए हमारी केंद्र सरकार ने 26 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून लागू किया। हालांकि बहुत देरी से ये कदम उठाया गया, 1948 का संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र और हम 1993 में उसके लिए कानून लागू कर रहे हैं। और इसी कानून के तहत केंद्र और राज्यों की सरकारों ने मानवाधिकार आयोग भी गठित किए। इन आयोगों में कोई भी नागरिक मानवाधिकार के आनंद से संबंधित कोई भी
शिकायत निःशुल्क कर सकता है, इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन भी और पत्री फोन आदि के जरिए ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज की जा सकती है जिसका कोई शुल्क नहीं। आयोग किसी मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार, ये इनको यह भी हक है कि किसी भी मामले का ये स्वतः भी संज्ञान ले सकते हैं, अपने आप किसी मामले को अपने हाथ में और उस पर संबंधित पक्षों से जवाब तलब कर सकते हैं। हमने देखा है राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे भी कई मानवाधिकार आयोगों ने अखबारों में छपी खबरों के आधार पर भी मामलों का कॉग्निजेंस लिया और संबंधित पक्षों को उनके बारे में नोटिस जारी किया। इस घोषणा पत्र के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को सम्मान से गरिमा से जीवन जीने का अधिकार, इस मौलिक अधिकार में भी मनुष्य के सारे मौलिक अधिकार मानव अधिकार समाहित माने जाते हैं। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको समान अवसर पाने और कानून का समान संरक्षण पाने का दिया है। इसके अलावा हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी मानवाधिकारों को शामिल किया गया। हाल में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि कोई भी आदमी अपने मानवाधिकार से जुड़ी शिकायत एक ऑनलाइन पोर्टल पर निःशुल्क कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम है www.hrcnet.nic या फिर पत्राचार से भी मानवाधिकार आयोग अरे राहिल सोपाल के पते के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक फोन नंबर भी मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने जारी किया है 144334 इस पर भी फोन करके निःशुल्क शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेल्प सेंटर है वहाँ कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर भी है 9810298900 इस पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नागरिक सेवा केंद्र लोक सेवा केंद्र में आप 30 रुपये शुल्क जमा करा के भी अपनी शिकायत ऑनलाइन मानवाधिकार आयोग को भिजवा। अभी प्रवीण भाई ने सही कहा कि मानवाधिकार आयोग तो बन गए लेकिन इनको पर्याप्त शक्तियां प्राप्त नहीं है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र तो वस्तुस्थिति पता लगती है कि मानवाधिकार आयोग शिकायत मिलने पर नोटिस जारी करता है सरकार से जुड़े पक्षों और वो उस नोटिस का जवाब ही नहीं देते। 6-6 महीने 2-2 साल 3-3 साल निकल जाते हैं, रिमाइंडर आयोग भेजता रहता है, जवाब पेश नहीं करता। अंत में आयोग को कड़ाई बरतनी पड़ती, चीफ सेक्रेटरी से बात करनी पड़ती, तब जाके जवाब ना हल्के में मानवाधिकार आयोग को लिया जाता है जबकि उसका बहुत वेटेज है। मध्य प्रदेश में तो हमने ये भी देखा है कि जैसे होमगार्ड के पक्ष में मानवाधिकार आयोग ने कुछ अनुशंसाएं की थी उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, इसी तरह कुछ और मामलों में जनहित से जुड़े मामलों में अनुशंसाएं की और उनको सरकार ने लागू नहीं किया। इस कारण कुछ मामलों में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करनी पड़ी कि हमने अनुशंसाएं की और सरकार इसका पालन नहीं कर रही है और इसका पालन करने के निर्देश दिए और हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए। खास करके होमगार्ड वाला मामला तो हमें अच्छी तरह उससे संबंधित RTI भी लगी थी तो आयोग को भी कोर्ट की शरण अपनी बात बनवाने के लिए लेनी पड़ेगी। ये बताता है कि आयोगों को जो शक्तियां प्राप्त होना चाहिए वो नहीं है। भारत में और हर राज्य में कानूनन हर लोक प्राधिकारी जिसको RTA Act में पब्लिक अथॉरिटी कहा गया उसका ये कानूनी दायित्व है कि वो हर नागरिक के मानवाधिकारों को लागू करे और इस बारे में RTI लगाकर किसी भी लोक प्राधिकारी से अधिकार में आने वाले मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। धन्यवाद आदमदीप सर, और हमने ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उससे प्रारंभ करके उसके पूरे बेसिक जानकारी देते हुए आपने बताया कि किस प्रकार से ये एक तरह से कार्य कर रहा है और हमारे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चूंकि
सूचना आयोग से इसकी दूरी आपके पर्यावास भवन की ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट हैं। आपने वहाँ की भी जानकारी दी है। हालांकि आयोगों की कार्य पद्धति बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है और ये कैसे बेहतर बने इस पर जरूर आगे भी चर्चा हो। तो आप कार्यक्रम में प्रवीण सर, मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो मैडम याग्निक मैडम आ गई हैं? यदि आ गई हैं तो कृपया उनको इन्वाइट करें। अभी तुरंत फोन किए थे और नो रिप्लाई हुआ है, उसका मतलब कि वो बिजी है, जयपुर में सी इज ऑन सम प्रोग्राम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी आगे चले, वो जैसे ज्वाइन करेगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। चंद्रन जी तब तक कंटिन्यू। चंद्रन जी जुड़े हैं क्या, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे? चंद्रन जी जुड़े थे, मेरे को मैसेज भी किए थे उन्होंने। ओके, वो नेवी के रिटायर टॉप ऑफिसर है और उनके साथ में भी बहुत गलतियां हुई, उनको परेशान भी बहुत किया गया है क्योंकि उस सच्चाई को दबाना चाहते थे और वो सच्चाई को बाहर लाना चाहते थे। उनके पेंशन को रोका गया है, बहुत सारी परेशानी भी है। ओके। और वो अभी मैं उनको देखा भी था। कोई बात नहीं, अभी इंतजार करते हैं, आप थोड़ा सा कांटेक्ट कर लीजिएगा उनसे। आएगा, मैं उनको फोन करता हूँ, तब तक आप आगे चलिए। हाँ, तो अभी मैं कार्यक्रम में एक बार पुनः बीच में थोड़ा सा राहुल सिंह सर को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि इस पूरे वो जो है इसका समाप्त एक तरह से और कैसे अपन आरटीआई से इसमें कैसे लोग इसका लाभ ले सकते हैं, थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। और जैसा हमारे यहाँ पर जो वक्ताओं ने इस पर रोशनी डाली कि किस तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है लोगों में, महिला और पुरुष का भेद जो किया जा रहा है, साथ में लेबर लॉस को लेकर के जो स्थिति है उस पर भी प्रकाश डाला, मानवाधिकार संगठन कैसे काम कर रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई है। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा है शिवानंद जी कि सभी अधिकारों की जो कुंजी है, जो की है, वो आरटीआई है। उदाहरण के तौर पर उसको समझिए कि जैसे मानिए कि अभी आपको कुछ दिन पूर्व का ही बताता हूँ मैं कि एक महिला ने पुलिस में कंप्लेंट दी आईजी के पास और सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट और साथ में डाउरी हरासमेंट का केस था। पुलिस ने उसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट था, अननेचुरल सेक्स की जहां पर उन्होंने जिक्र किया था, वहां उन्होंने उस पर कोई धारा नहीं लगाई, कहा ये तो पति पत्नी के बीच का मैटर है। डाउरी पर उन्होंने धाराएं लगा दी और उसमें उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि ओरिजिनल कंप्लेंट जो आईजी के पास थी वो उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि इस तरह का हुआ है। जब मामला टीआई के पास पहुंचा तो टीआई ने बकायदा, अब कानून का ज्ञान नहीं होता है आम आदमी को, तो उसको डिक्टेशन दिया, बोला हम डिक्टेशन दे रहे हैं, आप लिखिए डिक्टेशन। उन्होंने डिक्टेशन लिखा और उसी डिक्टेशन के बेसिस पे उन्होंने एफआईआर दर्ज की। अब सवाल ये उठता है कि जब ओरिजिनल जो कंप्लेंट थी जो कि उन्होंने आईजी के पास दी और उसके बाद जब टीआई ने उनको डिक्टेशन देके जो लिखवाया उसमें जहां अननेचुरल सेक्स की बात हो रही है वो उन्होंने नहीं दिया, तो आप देखिए कि किस तरह से खुद पुलिस अधिकारी गलत एफआईआर लिखवा रहे हैं, गलत कंप्लेंट लिखवा रहे हैं। अब इसमें वो अधिकार तो है, कानून तो बना हुआ है, सबको मालूम है कि एफआईआर करवाना अधिकार है, सबको ये भी मालूम है कि जब इस तरह की कोई कंप्लेंट आएगी अननेचुरल सेक्स की और इसमें महिलाओं की राइट्स की बात आती है तो पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बात का ज्ञान तो सबको है, अधिकारी को भी है जो वॉलेशन कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इसमें आगे कार्रवाई क्या कर सकते हैं, तो उसमें सिंपल है कि जब अगर आपको ये मालूम है कि आप आरटीआई को कैसे इसमें यूज कर सकते हैं तो आप उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। आप उसमें कंप्लेंट लेटर दे दें कि ये मैंने आईजी को कंप्लेंट दी थी इस तारीख को, लेकिन उसके बाद जब एफआईआर हुई है एफआईआर में इस धारा का जिक्र नहीं है तो इसमें संबंधित जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानूनी तौर पर आपको बता दूं कि इसमें सेक्शन जो है जैसे आईपीसी की 166, अगर कोई अधिकारी जानबूझ करके कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे तो 1 साल की सजा का प्रावधान है, फाइन का प्रावधान है या दोनों का प्रावधान है, सेक्शन 166 बहुत स्पष्ट है। तो जिस टीआई ने गलत काम किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरा कहना है कि आप जब ये आरटीआई एक्ट बन रहा था और आप देखिए सेक्शन 24 को देखिए, सेक्शन 24 जो आरटीआई का क्या कहता है, वो कहता है कि जब कोई जैसे जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, कुछ एजेंसीज हैं जिसको छूट प्राप्त है जानकारी देने में, आईबी हो गया और दूसरे जो एजेंसीज हो गई
जहां पर सरकार ने कहा है कि उसमें जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसमें भी आप सोचिए कि जब मानवाधिकार की बात आती है तो उसमें भी जानकारी देने का प्रावधान है। मानवाधिकार और करप्शन दो ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के आरटीआई में, आरटीआई एक्ट में, कानून में ही स्पष्ट तौर से प्रावधान है कि इन मामलों में जानकारी देने के प्रावधान है और उसको जानकारी दी जाएगी। और सेक्शन 24 में ये अधिकार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का मामला है, अगर आईबी का मामला है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डिसाइड करेगा, और अगर ये मामला स्टेट का है, स्टेट की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का मामला है, तो ये अधिकार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को प्राप्त है। तो इसमें स्पष्ट तौर से जो हमारे कानून और नीति निर्धारक थे, उन्होंने जब ये पूरा आरटीआई एक्ट बनाया था और अधिकारों को देखते हुए जोड़ते हुए बनाया था, तो उसमें प्रोविजन जो है मानव अधिकार की जानकारी देने के स्पष्ट रूप से उल्लेख किए गए थे। तो मुझे लगता है कि शिवानंद जी, यहाँ पर अगर कुछ जो वक्ता है, कुछ मुझे उनकी बात तो हमने सुन ली है, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर हम देख रहे हैं, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, अगर हम उनको सुन ले तो, और उसके बाद आत्मदीप जी और जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, वो अगर उसका टर्न बाय टर्न जवाब दे सके तो अच्छा होगा। बिल्कुल, अपन क्वेश्चन भी सर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपके सूचना आयुक्त रहते हुए आपने पुलिस से संबंधित जो इस तरह से आरटीआई जाती है उसमें किस प्रकार की आप जानकारी आवेदकों को उपलब्ध करवाते हैं और कैसे वो उसका लाभ ले पा रहे हैं? देखिए, पुलिस के इसमें कई बार जो है वो जब जानकारी मांगी जाती है केस से संबंधित, केस डायरी संबंधित, तो एक बार जब मामला चार्जशीट हो जाता है तो केस डायरी कोर्ट पहुंच जाती है, तो कोर्ट से भी वो प्राप्त कर सकते हैं, और क्योंकि कोर्ट में जमा हो जाती है तो वो उसमें कोर्ट से भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कई बार क्या होता है, जांच चलती हुई, जांच के बीच में आवेदन आते हैं, वो कहते हैं कि ये जानकारी हमें चाहिए, या फिर मामला कोर्ट में पहुंच गया है और उसके बाद वो फिर वो कुछ सब्सिक्वेंट इंक्वायरी जो पुलिस करती है उसकी जानकारी चाहते हैं। तो उसमें धारा 81 है जिसमें ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी, जांच अवरोध होगी, तो उसको लेकर के आधार बनाते हुए पुलिस जानकारी देने से मना कर देती है। तो इसमें हम जो है उनसे पूछते हैं, जो जांच करता है, जो अधिकारी हैं, या पुलिस विभाग हो या लोकायुक्त विभाग हो, उनसे पूछा जाता है कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि जांच प्रभावित होगी, ये आपको प्रूफ करना होगा। हम जानकारी देने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए दस्तावेजों के सहित, यहाँ आयोग आइए और आयोग के समक्ष आप बताएं कि जांच कैसे प्रभावित होगी। तो वो अधिकारी आते हैं हमारे पास, उनके दस्तावेज देखे जाते हैं और इसको समझा जाता है कि जांच, अगर ये वाकई ये जानकारी अगर बाहर आती है तो क्या इससे जांच प्रभावित हो जाएगी, और नहीं होगी तो वो जानकारी देने के आदेश दिए जाते हैं। तो आमतौर पे जो आप देखें कि पुलिस के पास जो भी कंप्लेंट जाती है, चाहे कई बार लोगों का ये कहना है कि उनको गलत तरीके से फंसा दिया गया है, तो वो पुलिस की वो डायरी, केस डायरी, ये तमाम चीजें मांगते हैं कि उस समय पुलिस को कब कॉल आया था, कैसे गए, ये सब जानकारी मांगी जाती है। कई बार चलते हुए जब किसी केस में कोई रेप का चार्ज लग गया हो किसी के ऊपर, तो वो ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति उस समय जिन्होंने चार्ज लगाया है उसका कई अटेंडेंस रिकॉर्ड मांगा जाता है कि वो कहाँ पर थे, जिसको धारा 81J के तहत पर्सनल रिकॉर्ड कहकर के मना कर दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि ये सब चीजें होती हैं, जानकारी छुपाने की कवायद ढेर सारी है, और अधिकतर चीजें जब अगर पुलिस का मामला होता है और ये दूसरे इसमें कोर्ट का अगर मामला होता है, तो उसमें मानवाधिकार से संबंधित जो जानकारियां होती हैं वो अगर स्पष्ट तौर से ये समाधान हो जाता है आयोग के समक्ष कि ये जानकारी देने से कोई जांच नहीं रुकेगी, इससे कोई इन्वेस्टिगेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इससे न्याय करने में एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, तो वो मुझे लगता है कि वो जानकारी आयोगों को दे देनी चाहिए। इससे कोई पीड़ित व्यक्ति रहता है जो कहता है कि हमारे विरुद्ध पुलिस ने गलत तरीके से FIR दर्ज कर दी, हमें गलत तरीके से फंसा दिया, तो उसको अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए तो उसको क्या प्रयास करने मतलब वो आरटीआई आपके पास लगाएगा और वो जानकारी चाहेगा कि हमें अमुक अमुक दस्तावेज चाहिए, तो कौन कौन से दस्तावेज उसको मिल सकते हैं जिसमें वो अपने आप को अपना पक्ष मजबूती से रख पाए? देखिए, इसमें एक बार FIR जब हो जाती है पुलिस की, और अगर आपने कोई आप अपने वकील से भी बात करें और अगर उसमें लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो आप उसमें सब्सिक्वेंट आप एक
कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं उनके वरिष्ठ अधिकारियों को कि ये गलत तरीके से पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए झूठी एफआईआर लिखी है और इसमें ये कार्रवाई की गई, इसकी जांच की जाए। वो आप अपने वकील से पूछ लेंगे, उनको आप तथ्य बताएंगे, उसी तथ्य के आधार पर एक कंप्लेन लेटर बन जाएगा और उस बिंदुओं की जांच हेतु आप लिख देंगे। उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप उस ऑफिस में जहां पर आपने कंप्लेन की है उसमें एक आरटीआई लगाएंगे और पूछेंगे कि ये जो मैंने कंप्लेन की थी इस पर जो भी जांच की गई है उसकी नस्ती हमें उपलब्ध कराई जाए। तो ये क्योंकि एक अधिकार है आपका, आपने कोई कंप्लेन की तो उसमें क्या जांच हुई है वो जानने का आपको अधिकार है, तो उस पर वो जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात कि अगर कंप्लेन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चार्जशीट होने तक जांच कार्रवाई में रहती है तो पुलिस अक्सर उसमें 81S धारा लगा करके रोक लगा देती है, तो तब तक तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप कंप्लेन करके कंप्लेन की जानकारी जरूर ले सकते हैं आरटीआई के तहत। जैसे एफआईआर हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, मेडिकल रिपोर्ट हो गई, कथन जी, हमने ये रिपोर्ट भी दिलवाई हुई है शिवानंद जी, जो जैसे आप मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो होती है उसकी कॉपीज जो है वो अवेलेबल करवाई है। और कई बार विक्टिम खुद आते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो धाराएं हैं वो डाइल्यूट कर दी गई हैं, जबकि मेडिकल लीगल रिपोर्ट में उसमें स्पष्ट तौर से कुछ और लिखा हुआ था। तो हमने फिर उसमें कहा है कि ठीक है, आप हालांकि कॉपी कोर्ट में लगी हुई है लेकिन फिर भी अगर आप यहां से लेना चाहते हैं, क्योंकि आरटीआई का काम ही यही है कि शासन के सभी अंगों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का है, तो इसमें इसीलिए फिर हमने जो हॉस्पिटल था, पुलिस था, उनको भी कहा कि आपको ये अवेलेबल करवाना पड़ेगा ये रिकॉर्ड। कई बार पीड़ित व्यक्ति, मतलब जिसने एफआईआर दर्ज करवाया है, या सपोज करिए कोई व्यक्ति डेड हो गया और उसके परिजन ने, उसके पिता या भाई ने, पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाया है कि हमारा ये व्यक्ति डेड हो गया है और उससे संबंधित हमें जानकारी आप दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए, मृतक का वो जो उनका होता है वो दीजिए, पंचनामा दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, एफआईआर दीजिए और ये सब इनके कथन बयान है। एफआईआर की कॉपी तो वही मैं कह रहा हूँ, ये देखिए कुछ इसमें हम जब मानवाधिकार की बात करते हैं तो कुछ चीजें तो यहाँ स्पष्ट है, एफआईआर की कॉपी तो मिलनी चाहिए पीड़ित पक्ष को। तो अब सवाल ये उठता है कि जब आपको एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही तो वहीं उल्लंघन होना शुरू हो गया है, अब इसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि आप एक ऐसा कौन सा कानून है जो इनको जवाबदेह बना सकता है, वो कानून एकमात्र कानून है आरटीआई कानून, जहां आपके मानव अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है और वहां पर जनता और शासन प्रशासन की जवाबदेही आपको तय करनी है, तो वो एकमात्र जो सरल सुलभ रूप में लोगों के लिए उपलब्ध कानून है वो आरटीआई। आपको कुछ नहीं करना है उसमें, आप एक कंप्लेन लेटर देंगे कि भाई इन्होंने इसका उल्लंघन किया, ये धाराएं हैं इसके तहत इनको ये सब करना था और ये सब नहीं किया गया है, या फिर गलत एफआईआर लिखी गई है, यहाँ सेक्शन 166 के तहत इन्होंने गलत कार्रवाई की है, तो ये सब तमाम चीजें आप उस तरह से कंप्लेन बना करके दे सकते हैं, उसमें कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं आरटीआई के थ्रू। तो उसमें जैसे ही आरटीआई दायर होगी तो जाहिर है कि उनको वो उस आपकी एप्लीकेशन पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बैठ के नहीं रह सकता है, उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि उस उनकी कंप्लेंट पर, आपकी कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई की गई है। भले ही कार्रवाई नहीं की गई हो या कुछ भी नहीं किया गया हो, वो दे दे, उसमें भी वो फंसेंगे अगर वो कहेंगे कि कार्रवाई लंबित है या कार्रवाई नहीं की गई है, संज्ञान में नहीं लिया गया है इसलिए लंबित है, रीजन भी देना पड़ेगा, जांच की जा रही है क्यों लंबित है, तो ये रीजन देते हुए उनको बताना पड़ेगा कि इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। वो भले ही एक लाइन का रीजन हो लेकिन फिर आपके पास एक अगला ऑप्शन खुल जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का, आप उसमें फिर कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में कि ये देखिए ये हमने ये कंप्लेन की थी, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसीलिए हम कोर्ट का इंटरवेंशन चाहते हैं, तो जो जज साहब हैं वो भी देख करके तुरंत उसमें फिर फैसला लेंगे। जी धन्यवाद। अब आपने कहा कि प्रश्न लोगों के उठा लिया जाए, तो गहोई धनी राम जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, पूछिए अपना प्रश्न और आप लोग थोड़ा सा टू द पॉइंट प्रश्न पूछिएगा और शॉर्ट में पूछिएगा। हमारे बीच में मोहम्मद सबीर जी हैं, मोहम्मद सबीर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? गोपाल मालवी जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है, एमएस भूटानी है, आप लोग एक एक करके अपना प्रश्न पूछिए।
हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? नित्यानंद सर आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही, आपकी आवाज आ रही। सर नमस्कार। सर मेरा एक्चुअली पुलिस विभाग से ही संबंधित मामला है। तो एक केस में मेरा जो है पुलिस ने गलत एक कार्रवाई करके मेरे अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करी, जिसमें कि जो अपोजिट पार्टी था उसको बेनिफिट मिला। और एक्चुअली मेरा एक मामला था, पत्नी से संबंधित था। तो हाई कोर्ट में 482 क्वेश हो जाने के बाद में उसको और हमें एक म्यूचुअल कंसर्न से साथ रहना था। तो एक पुलिस चौकी में हम लोग उपलब्ध हुए थे और वहां से हम लोगों को साथ आना था, लेकिन पत्नी आना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने एक ग्राउंड बनाया और पुलिस विभाग को कुछ पैसे दिए, जो भी वहां पे उपस्थित टीआई जो भी महोदय थे, और उनके तरफ से उन्होंने एक पत्र लिखवाया कि ये ले जाना नहीं चाहते और ये लेने नहीं आए हैं। तो मैं भी उस दिन वहां मौजूद था, तो मैंने भी एक आवेदन दिया कि भाई मैं यहाँ लेने आया हूँ और हाईकोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आया हूँ, वो आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इनकी शर्तें लिख कर दीजिए, अदरवाइज ये नहीं जाएगी और हम आपके अगेंस्ट लिखेंगे इसमें। तो उन्होंने मेरा आवेदन लेने से मना किया और मैं वहां से वापस आ गया। उनको फिर मैंने एक सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट डाली और अपना आवेदन जो वहां पे उनको दे रहा था वो भी पुट अप किया और एसपी महोदय को भी इससे संबंधित एक शिकायत भेजी और ह्यूमन राइट्स में भी एक शिकायत उसको भेजी उसी पत्र को संलग्न करते हुए कि मेरा ये आवेदन लेने से मना किया और महोदय ने जो है अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जो उनका पति दायित्व था उस वक्त मेरा आवेदन लेने का, और इसकी वजह से मेरे अगेंस्ट पार्टी को बेनिफिट दिया गया। तो मैंने दे दिया। शिकायत के बाद में सुनवाई हुई, उसमें मुझे बुलाया गया। सुनवाई होने के बाद में उसमें जांच बिठाई गई। जांच के बाद मेरी लगातार ये आरटीआई चल रही है जिसमें कि मैं जांच की जानकारी मांग रहा था। तो उस जानकारी में मुझे हर बार घुमा घुमा के जानकारी दी गई कि पत्नी का विवाद है और ऐसे ऐसे करके दिया गया, जबकि मेरी शिकायत थी कि जो थाना प्रभारी महोदय थे उन्होंने मेरा आवेदन लेने से मना किया और अपोजिट पार्टी को लाभ दिया और इस तरह उन्होंने अपने पदवी दायित्व का निर्वहन नहीं किया। ये मेरी शिकायत थी, तो जिसमें उन्होंने हर बार मेरी पत्नी का विवाद डाल करके उसको क्लोज कर दिया। अभी मैंने जो मानव अधिकार में जो मैंने कंप्लेंट डाली हुई थी उसमें आरटीआई लगाई, तो उसमें मुझे अभी 2 दिन पहले ही जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें जांच में ये पाया गया है कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो वर्तमान में वहां पे एसआई महोदय थे जो इंचार्ज थे वहां के, तो उन्होंने आवेदन लेने से मना किया और पदवी दायित्व का निर्वहन नहीं किया है और ये मेरे कथन और जो भी संबंधित लोग थे उनके बयान लिए गए थे वो सारी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी राहुल सर ने भी बताया कि 166 के अंदर आईपीसी के अंतर्गत हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करूं, क्योंकि अब मेरे पास दस्तावेज आ गए हैं जिसमें ये चीज आ गई है कि उन्होंने उस वक्त अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, जिसके कारण आज मैं 4 सालों से एक केस को फाइट कर रहा हूं जिसमें मेरे परिवार के 6 सदस्य का नाम था और मैंने लाखों रुपए उसके पीछे मेरा समय और मेरा पैसा चला गया। तो सिर्फ उस एक दिन जिसमें कि मेरे आवेदन ना मिल पाने से मेरा एक केस रिकॉल हो गया हाईकोर्ट में और मैं उसको फाइट कर रहा हूं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं उस जांच का जो मुझे 4 साल बाद प्राप्त हुई है और उसमें ये पाया गया है कि उस दिन मैं वहां पे गया था और ये सारी चीजें उनके षड्यंत्र के तहत मेरी मतलब खिलाफ कार्रवाई की गई और मेरा एक केस रिकॉल हुआ जिसके लिए मैं आज लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ। और इस तरह से मेरे मानव अधिकारों का उस समय हनन हुआ है और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, वो तो अलग है। और मेरे परिवार के इतने सारे लोग 4 साल से आज उसको फेस कर रहे हैं और टॉर्चर हो रहे हैं, तो ये मेरे मानव अधिकारों का हनन हुआ और मानव अधिकार के जांच में ही ये चीजें मुझे मिली है। ये मेरे खुश की बात है कि पुलिस विभाग ने तो जितने भी जांच दी एसपी ऑफिस से भी हुआ, उसमें मुझे जांच में कुछ भी नहीं मिला। अभी भी एसपी ऑफिस के थ्रू ही हुआ है, लेकिन उस आवेदन पे मुझे मिला हुआ है जो मैंने मानव अधिकार में लगाया हुआ था। कबीर नित्यानंद जी, आप जवाब दे दीजिए। सर इस पे बड़ा स्पष्ट है कि अगर 166A का उल्लंघन करते हैं कि कोई पब्लिक सर्वेंट, तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट की अनिवार्य नहीं है और आप इसके लिए डायरेक्ट FIR कर सकते हैं। यद्यपि FIR में पुलिस कॉग्निजेंस ज्यादा नहीं लेती, लेकिन 156(3) के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जाके इस मामले में डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं और मामला पंजीबद्ध होगा संबंधित टीआई के विरुद्ध। 166A में का प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे 197 सीआरपीसी में पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा दायर करने के पहले सरकार से सैंक्शन लेना पड़ता है, तो 166A को स्पेशली एक्सक्लूड किया गया है।
अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने 166A का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, डायरेक्ट कार्रवाई की जा सकती है, और आप इसके लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास या कि FIR भी कर सकते हैं आप, और कंपनसेशन की भी आप मांग कर सकते हैं इसके लिए। जी सर, ये आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और बहुत धनी राम जी आपने हैंड रेज किया हो, प्लीज अपना प्रश्न। जी सर मैं सागर जिले से हूँ। मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ RTI के माध्यम से जानकारी निकाली, जिससे समिति प्रबंधक ने सर मेरे ऊपर एक हरिजन महिला को खरीद करके और 354 का मामला बनवाया है सर। और मैं उस समय घर में ही था, मेरे पास CCTV फुटेज है, मैंने पुलिस को भी दिखाए, इसके बाद भी वो पुलिस ने हमारे ऊपर FIR दर्ज करी। अब सर हम इस मामले में क्या मानव अधिकार आयोग के पास जा सकते हैं सर? जी, इस विषय में मैं माननीय मनोज जैना जी हमारे बीच में हैं, जो कोर मेंबर भी हैं NHRC के। तो जैना साहब, थोड़ा सा अपने आप को आप अनम्यूट करें और इस बात का आप जवाब अपनी तरफ से प्रस्तुत करें कि इस तरह के केसेस में ये किस प्रकार से रिलीफ ले सकते हैं और किस तरह से इनका ये हेल्प कर सकता है आपका आयोग। आप क्या ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है? सर मैं तो RTI कार्यकर्ता हूँ सर, मैं सागर जिले से। अभी तक मैंने मानव अधिकार आयोग में कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई सर। ओके जी, आप RTI एक्टिविस्ट भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है जी। आप मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक फोकल पॉइंट है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के लिए, जो इस काम करते उनका प्रोटेक्शन के लिए एक फोकल पॉइंट है, एक मैकेनिज्म है। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं एक RTI एक्टिविस्ट हूँ, मेरे पर इस केस में हुआ है, और ये आप वो डाल के बोल सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं। और उनका फोकल पॉइंट जो पर्सन है उनका भी एक 24/7 एक मोबाइल नंबर है, आप उनका उपलब्ध इंटरनेट जो उनका वेबसाइट में हो जाएगा जी, तो वेबसाइट से उनसे भी आप बात कर सकते हैं, और आप बात कर सकते हैं कि मेरे साथ आपने बात किया, वो एडवाइस किया है आपसे बात करने के लिए। जी सर थैंक यू सर। जी जेना सर, इसमें एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मामले आते रहते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है, तो जैसे RTI वर्कर्स हैं, इस तरह से यूजर्स हैं, मतलब इतने बड़े बड़े बेचारों के नाम नहीं है कि मतलब बहुत सारे RTI लगाए हैं 1,500 और गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया है एज ए RTI एक्टिविस्ट, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो लगाते हैं RTI लगाते हैं, अच्छा समाज में काम कर रहे हैं, प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार उजागर हों। वही धनी राम जी का भी काफी समय से जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम में, अपनी बातें रखते रहते हैं, बहुत अच्छा इनका भी प्रयास है, करोड़ों का इन्होंने किया है। इसी तरह से अन्य भी हर जिले में, इनफैक्ट हम और पता नहीं कितने, अभी एक देवेंद्र अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से थे, उनके ऊपर और बहुत सारे ये इस तरह से करते रहते हैं, या कि पुलिस की सांठ गांठ से खरीद करके उनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज करवा देंगे या उनके ऊपर अटैक करवा देंगे, विभिन्न प्रकार से षड्यंत्र चलता रहता है। तो जिस तरह से आपने बताया कि RTI एक्टिविस्ट, वैसे इस विषय में माननीय राहुल सिंह जी ने एक आदेश भी दिखाया था जिसमें ये बात आई है, जिसमें ह्यूमन राइट्स मतलब RTI वर्कर्स को एज ए ह्यूमन राइट्स का जो भी प्रोटेक्शन है उनको प्राप्त है, ये ऐसा उसमें उल्लेख हुआ है। एक गृह मंत्रालय का एक पत्र था, उन्होंने सर्कुलर जारी किया था उसमें, पर इसमें ऑथेंटिक कार्रवाई नहीं हो पाती है, और आयोग में भी बात जब जाती है तो उतना जिस तरह से हम अपेक्षा करते हैं कि आयोग वो हमारी हेल्प कर पाए, उस तरह से वो हेल्प नहीं कर पाता है। तो इसमें कैसे अपन मतलब कि हमारा जो मामला है उसको थोड़ा वो गंभीरता से ले लें, मतलब पत्राचार तक ही ना सीमित रह जाए, या हमने आज आवेदन दिया तो एक साल बाद उसका रिप्लाई ना आए, इस तरह से कैसे इसमें हम उनसे ज्यादा इसमें रिलीफ मांग सकते हैं? देखिए शिवानंद जी, मैं आपके माध्यम से मैं सब जितने भी ये प्रोग्राम में जुड़े हैं मैं सबको यही बात बोलना चाहता हूँ कि हर वक्त हम तो ऐसे घटना देखते हैं, कंप्लेन भी करते हैं कि NHRC वो एक टूथलेस टाइगर है, लेकिन NHRC भी बहुत कुछ मामले में हस्तक्षेप करके भी जस्टिस दिया है, भले ही उसका कुछ पनिशमेंट पावर नहीं है, लेकिन वो रिकमेंडेड बॉडी है,
बहुत सारा केस में वो कंपेंसेशन भी मिला है, रिकमेंडेशन किया है फर्दर एक्शन के लिए। और ऐसे नहीं है जो अधिकारी भी, उनका भी जैसे हम लोग का भी कुछ खतरा है, उनको भी उनका नौकरी का भी खतरा है, वो नहीं चाहते कि उनका नौकरी में करियर में कुछ ब्लैक स्पॉट लगे, तो इसीलिए वो भी बहुत ध्यान से भी काम करते हैं। तो हाँ, तो और हम जो काम करते हैं, हम जाए तो कहाँ जाए, हम वही ग्रीवांस रिड्रेसल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, वही जो कानून का व्यवस्था है हमारा भारत से, जो संविधान का दायरे में जो व्यवस्था है, कानून का व्यवस्था है, जो कमीशन है, जो कोर्ट है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, उनके पास जाएंगे। भले ही वो इफेक्टिव ना हो, कुछ कुछ अफसर भी अच्छे काम करते, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट भी अच्छे काम करते, तो इफेक्टिव ना हो, लेकिन उनका दरवाजे को खटखटाएंगे और उनको भी हम एक स्ट्रैटेजी लेके उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, वो उनको कैसे हम बाध्य करेंगे कि वो अपना रवैया बदले और कैसे जस्टिस वो दे सके, क्योंकि वो जो पोजीशन में बैठे हैं उनको भी हक बनता है, वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक पैसा से वो उनको तनख्वाह मिलता है, इसीलिए हम उनको पर प्रेशर डालना चाहिए। तो ऐसा नहीं है हम कंप्लेन करके सिर्फ रह जाएंगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा तो हो रहा है, ये तो नई बात नहीं है, पहले जैसा अभी थोड़ा और भी बढ़ गया है। तो लेकिन धीरे धीरे हम भी देखते हैं कि जो अधिकारी का जो कैरेक्टर थे, जो उनका जो मोरल कैरेक्टर हो, जो वो हो, धीरे 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 गिरता जा रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन हमको भी यही कानून व्यवस्था में भरोसा करना चाहिए और इसमें भी हमारा प्रेशर डाल के, हमारा स्ट्रैटेजी लेके हम सब जो आज इकट्ठा हुए हैं, हमको एक नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करके हमको काम करना चाहिए। तो ये मेरा बात है। और मैं प्रवीण जी एक अच्छे कार्यक्रम रखे हैं, 25 दिसंबर को रखे हैं एक नेशनल लेवल का कन्वेंशन ह्यूमन राइट डिफेंडर का, मैं आग्रह करूंगा जितने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं सब लोग 25 दिसंबर में जुड़ेंगे, हमारा नेशनल लेवल का एक डिफेंडर का नेटवर्क बनाएंगे, ताकि हमारा अपना वो जो कुछ पूरा मजबूत हो, ताकि हम एक सामूहिक तरह हम फाइट कर सकें। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। और इसमें हम जरूर हमारे जो साथी हैं पार्टिसिपेंट्स में जुड़ेंगे, और वो 25th वाले कार्यक्रम के लिए हम भी आप सभी साथियों को अपनी तरफ से भी बता दें कि ये कार्यक्रम जो है 25 दिसंबर को आयोजित किया गया है, तो आप लोग जरूर इसमें आए। आगे की इसकी लिंक और जानकारी जो है वो आप लोगों को भेज दी जाएगी। हमारे बीच में सोफिया मैडम है, उनका मैसेज आया है कि वह कार्यक्रम में लीव करना चाहती है। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अमूल्य विचार यहाँ पर साझा किए, और उम्मीद है कि जब भी हमें आप की आवश्यकता पड़ेगी तो प्रवीण भाई जी के माध्यम से और हमारे जो साथी हैं आपसे जरूर संपर्क किया जाएगा, और आप अपना मार्गदर्शन इसी तरह से देती रहेंगी। हमारे बीच में और भी साथी हैं जो इन्होंने हैंड रेस किया। एम एस भूटानी जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी बात पूछिए। हेलो जी, जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर, ऑल एक्टिविस्ट। हेलो आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप अपना प्रश्न पूछिए, सिर्फ मुद्दे पे कंसंट्रेट करिए, आपकी जो बात है। जी सर, ऐसा है, मैंने ये एक आरटीए लगाई थी 4 अप्रैल 2019 को। हेलो, आप पूछे भूटानी जी? नहीं, अप्रैल 2019 को लगाई थी सर मैंने एक आरटीए, और मुझे उसका फर्स्ट एप्लीकेशन का जवाब मिला नवंबर 2019 को। फिर मैंने सीआईसी को सेकंड लगाई दिसंबर 2019 को, तो और उसका जवाब मिला सर मेरे को अक्टूबर 2021 को। तो मैंने सर उसके बाद वो मुझे लारा लप्पा लगा रहा है, उसने मुझे ये सीआईसी वालों ने बोल दिया भाई इनको आप वो जो मांगते हैं इनको दे दो, वो पीओई वाला फिर हमें वो झूठा लारा लगा रहा है, आज आ जाना जी, कल आ जाना जी, मैं कर रहा हूँ जी। आज इस बात को 4 महीने हो गए सर, 2-3 महीने हो गए सर, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? जी, आपका प्रश्न बहुत जायज है, और एक आयोगों की जो घटिया कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। स्वयं तो इस विषय पर मैं, आत्मदीप जी हमारे बीच में है, वो अपना इसमें आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आत्मदीप सर, ऐसे प्रकरणों में, ऐसे केस में क्या किया जाए? कृपया अपने आप को अनम्यूट करके, हमारे जो साथी हैं एमएस भूटानी जी, उम्मीद है कि आप भूटान से नहीं है, भूटान से है क्या भूटानी जी? नहीं सर, मैं पंजाब से हूँ सर, लुधियाना से। सर मुझे एक 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 ऐसा है सर, कोई एक अच्छा एक्टिविटी बनाओ, चंदा जो
जो भी है सब देने को तैयार है, कोई जवाब नहीं दे रहा सर। मैंने कई ये लगा रखी आरटीआई, कोई जवाब नहीं मिलता, दो दो तीन तीन चार सात साल सर लग जाते हैं सर। आप कह रहे हैं कि चंदा लेकर के और हमें एक ग्रुप बनाए और मैं चंदा लेकर के भाग ग्रुप बनाओ सर, चंदा देने के लिए बहुत बैठे हैं सर। ये पीओए वाले इतना खराब करते हैं ना, जो आप सोच नहीं सकते। मुझे जाके मैं तो इतनी इतनी दूर हैदराबाद तक जा, कहां कहां से आरटीआई के लगवा के आया हूं। जी आपके प्रश्न का उत्तर हमारे आनंदीप सर दे रहे हैं। जी इन भाई ने जो शिकायत बताई है कि अनेक मामलों में होती है इस तरह की, सूचना आयोग तो अपनी तरफ से कानून सम्मत आदेश पारित कर देता है लेकिन लोक सूचना अधिकारी उसके पालन में ही लवालक करता है। ऐसी परिस्थितियों में सीधा सा रास्ता है कि जिन्होंने भी आदेश पारित किया है इस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, उन आदेशकर्ता आयुक्त को पत्र लिखकर वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहिए, आदेश की कॉपी साथ लगा के कि आपका यह आदेश है, इसमें यह समय सीमा दी गई थी और लेकिन इसका पालन लोक सूचना अधिकारी नहीं कर रहा है तो ये आयोग के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है, इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और आयोग के समक्ष इसको तलब करके वहीं हमको अपेक्षित जानकारी दिलाई जाए, मतलब आदेश का पालन कराया जाए। इस पे निश्चित रूप से सूचना आयोग कार्रवाई करते हैं, अगर उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है और आयोग के पास इतना अधिकार है कि वो अपने आदेश का पालन कराने में पूरी तरह सक्षम है। तो और ऐसी शिकायत करने के बाद अगर लंबा समय गुजर जाता है आदेश का पालन न होने की शिकायत करने के बाद, तो फिर आप एक दो महीने बाद आरटीआई भी सूचना आयोग में उस बारे में लगा सकते हैं कि मैंने ये शिकायत भेजी थी, उसकी कॉपी संलग्न है, इस पर अभी तक की आयोग द्वारा की गई कार्रवाई की प्रमाणित निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो सर मैं तो इसमें धारा 18 के तहत अलग से शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसमें फिर आपका साल दो साल निकल जाएंगे सर। मैं पत्र लिख सकते हैं आदेश का पालन न होने के बारे में। तो मैं तो हाई कोर्ट जा रहा था इस पर्पज के लिए, हाई कोर्ट जा रहा था, नहीं लगा रहा तो मैं तो पीआई से वो हाई कोर्ट में लगा रहा था इसके उसके हाई कोर्ट जाने में भी आपका पक्ष मौजूद होगा, अगर हमने जो बताया वो कार्रवाई आप करेंगे कि आयोग को संबंधित सूचना आयोग को आपने अवगत कराया उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं आया तो फिर हाई कोर्ट निश्चित रूप से निर्देश पारित करेगा, पर आयोग में एक बार गुहार जरूर लगाए हाई कोर्ट जाने से पहले। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, धन्यवाद सर। और हाँ आप आयोग में पत्र व्यवहार करें जिस प्रकार से माननीय आदमदीप जी ने आपको निर्देशित किया है और उससे आपको लाभ मिलेगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारे गोपाल मालवीय जी ने हैंड रेज किया हुआ है, वो अपनी बात रखें, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए गोपाल मालवीय जी। चलिए गोपाल मालवीय जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अक्षय गोस्वामी जी है। हाँ अच्छा चलिए हाँ ठीक है बोलिए, आपने वीडियो आप लोग ऑन कर लिया करिए। सबसे पहले तो मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा सर। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने आबकारी विभाग के ऊपर एक ये आईटी लगाया था तो वहां से जानकारी नहीं आई है और वहां के जो अधिकारी है वो बोले कि इस विभाग को आप जानते नहीं हो, तो मैंने सर इसलिए लगाया था, मेरा पर्पस ये था कि जन कल्याण में मतलब जो आज जो छोटे छोटे बच्चे जो नशा कर रहे हैं और वो नशे की प्रवृत्ति से सर क्या है कि वो अपराध की ग्रस्त में जा रहे हैं सर। अभी एक आपने पेपर में भी पढ़ा होगा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपसे टू द पॉइंट ये पूछना चाहूंगा कि आबकारी विभाग में क्या आपने बात पूछी थी, सिर्फ वो आप बताएं। उसमें सर मैंने पूछा था मैंने कि कितने ठेके हैं आपके और ये जो जितने भी लाइसेंस देने की क्या प्रक्रिया, कितनी जनसंख्याओं के ऊपर आप ये देते हैं, कितनी शराब उसको दिया जाता है या कहीं वो अवैध अनलीगल शराब भी या जहरीली शराब भी बेचता हो, तो इसलिए वो जानकारी को मैंने पाने के लिए करा था लेकिन आज तक नहीं दिया है और मेरे ऊपर दबाव भी बनाया गया, तो सर वो इस कंडीशन में मैं क्या करूं। देखिए दबाव तो बनाएंगे ही, जब आप आरटीआई लगाएंगे और किसी का भ्रष्टाचार और गलती आप बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो हर भरसक प्रयास करेंगे। नियम कायदे अपने स्थान पे हैं लेकिन लोग नियम कायदों को उल्लंघन करते हुए हर तरह से हथकंडे अपनाते हैं, तो ये आपकी बात हुई। और आपका यदि आबकारी विभाग आरटीआई के दायरे में आता है, सरकारी विभाग है, यदि उन्होंने जवाब आपको नहीं दिया है 30 दिवस के भीतर तो इसके बाद आप उसकी प्रथम अपील वहां पर देख लीजिए, उनके अपीलीय अधिकारी का नाम पता कर लीजिए आप कौन होते हैं आबकारी विभाग में, उनके बड़े कोई अधिकारी होते होंगे। सामान्यतः एमपी में ये प्रोसीजर है कि एक जो विभाग होता है उसी विभाग में उसका प्रथम अपीलीय अधिकारी भी बैठता है और फिर जो द्वितीय अपील है तो वो सीधे स्टेट का मामला है तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पे जाती है।
तो आप इसमें पता कर लीजिए, प्रथम अपील अधिकारी का नाम पता पद पता चल जाए तो उनके नाम पर प्रथम अपील कर दीजिए ₹50 की शुल्क के साथ में, और पुराने आरटीआई आवेदन को संलग्न करते हुए दो प्रतियों में। और यदि आपको प्रथम अपील अधिकारी का नाम पता नहीं पता चलता है आप पता लगाने के बाद भी, तो आप सीधे प्रथम अपील अधिकारी के आराफ लोक सूचना अधिकारी के नाम पर और उसी विभाग पर आप अपना पत्र वहां पर उनको भेज दीजिए, और इस प्रकार से आप उसका उसकी मतलब पावती ले लीजिए, या कि आपके पास स्पीड पोस्ट का वो होगा। और फिर यदि 45 डेज के अंदर प्रथम अपील अधिकारी आपको जवाब नहीं देते हैं तो आप सीधे सूचना आयोग में चले जाइए और वहां पर आप द्वितीय अपील कर दीजिए। ये प्रोसेस आप अपनाइए। आरटीआई हमने दायर की और उन्होंने जवाब नहीं दिया है तो एक आम बात हो गई है वो, तो आप कोई भी आरटीआई दायर करो वो आपको जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे तो गलत जवाब देंगे, तो उसमें अपन हम सब पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं। और इनफैक्ट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ माननीय आदमदीप जी हैं पूर्व सूचना आयुक्त, अब वो वर्तमान में नहीं है, या माननीय शैलेश गांधी हैं पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, या भी वो आरटीआई लगाएंगे किसी भी विभाग में तो उनको जानकारी नहीं मिलेगी 30 दिन के अंदर। यदि वो जानकारी मिलती भी है तो ऐसा घुमा करके पत्र उनको विभाग दे देगा, जो बाबू होगा पीआईओ ऐसे देगा कि वो स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मतलब ये क्या हो रहा है। तो यहाँ हर व्यक्ति की यही स्थितियां हैं, क्योंकि लोक सूचना का अधिकार कानून को ना तो सरकार चाहती है कि यह स्टैंड करे, ना जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी आए, ना जनता को कुछ उसकी योजनाओं का पता चले, तो ऊपर से ही बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और जब तक हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो ऐसे मानसिक स्थिति वाले नहीं जाते हैं कि कोई भी कानून सही तरीके से लागू हो या कोई भी व्यवस्था अच्छे तरीके से लागू हो, तब तक यह स्थितियां बनी रहेंगी। तो आप उसी अपीली प्रक्रिया का फॉलो करिए। उनको जान से मारने की धमकी वो देते हैं, और जैसे कि उनके साथ जिस तरह से माननीय मनोज जैना जी ने हमारे बीच में जुड़े हुए जिस तरह से उन्होंने बताया, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि आप इसकी जो शिकायत है विधिवत टू द पॉइंट, आप तथ्यों के साथ में संबंधित जो NHRC है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहां पर आप करें, और इसकी शिकायत आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी करें, और उसकी विधिवत आप अपने पास पावती लें, पावती रखें और उसको फॉलो अप करें। यदि कार्यवाही ना हो तो उस स्थिति में आप 156(3) वगैरह के तहत आप जा सकते हैं और इस पर अपना अपना परिवाद दायर कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच में पिचोली जी, प्रवीण सर, क्या आप पिचोली जी अभी दिखे थे, वो अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? पिचोली जी फोन में बात हुई है? हाँ नहीं, वो जुड़ गए हैं, कुछ बात जुड़ गए तो उनको बुला लीजिए जी। पिचोली कुछ बात रखना चाहते हैं उनके साथ। हीज मोस्ट वेलकम, और वो अपनी बात रखें, वो सीनियर आर्मी नेवी ऑफिसर है और उनको हम जरूर सुनना चाहेंगे, सभी देश के हमारे नागरिक सुनना चाहेंगे। तो आप अपना वीडियो ऑन करिए पिचोली जी, यदि है तो चलिए, तब तक वो जुड़ते हैं और वो जुड़े रहेंगे हमारे बीच में। अन्य प्रश्नों को लेते हैं, वसीम आलम जी ने अपना हैंड रेस किया हुआ है झारखंड से। वसीम आलम जी अपने आप को अनम्यूट करिए एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार सर। सर एक महिला है, वो अपने पिता की इकलौती संतान थी, और आज ही सर SDM साहब ने 144 CRPC का सर एक नोटिस उनके खिलाफ इशू किया है, और उसमें सर उस महिला के साथ ही साथ उनके दो बच्चों का भी नाम इन्वॉल्व है, प्लस उनके पति का भी नाम उसमें सर इंक्लूड है, बल्कि इनके पति सर्विस करते हैं जो बाहर रहते हैं सर, और इनके एक बच्चे भी 12th का एग्जाम ऑन गोइंग है, और वही बच्चा सिटी में रहता है सर, और एक बच्चा एग्जामिनेशन का तैयारी करता है कंपटीशन का, वो भी सर मतलब बाहर ही रहता है, और इन तीनों का भी नाम सर इस नोटिस में दे दिया है। इसे सर वर्तमान में महिलाएं पूरी तरह से भयभीत है सर, तो इस समय सर क्या रेमेडीज के पास उपलब्ध हो सकता है सर? बिल्कुल, ये विशेषज्ञ का प्रश्न है, तो इस विषय में मैं माननीय मनोज जैना जी को एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा कि वो अपना इसमें इनको मार्गदर्शन, वासीम आलम अंसारी जी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें कि इस केस में वो क्या कर सकते हैं, क्या रिलीफ कमीशन से मिल सकता है या उनको क्या करना चाहिए। और नित्यानंद जी भी हैं हमारे वरिष्ठ वकील साथी है नित्यानंद जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें, आप भी इस विषय पर कुछ लीगल एडवाइज आप अपनी कृपया प्रदान करें। तो ये तो 144 माने न्यूसेंस कोई क्रिएट कर रही होंगी, तो इसलिए SDM ने नोटिस जारी किया होगा। वो तो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो विधवा हो, अगर आप न्यूसेंस क्रिएट करेंगे समाज के प्रति तो कोई आपको नोटिस हो सकता है, इसमें कौन सा इतना बड़ा विषय है।
लेकिन इनके सर बाल बच्चे सब बाहर रहते हैं सर, कोई वहाँ पे रहता ही नहीं है। आप बाल बच्चे बाहर रहेंगे तो आप न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। न्यूसेंस वो क्रिएट नहीं कर रही थी सर, वो महिला थी, तो जो अगला पार्टी है ना सर वो सोशली बहुत स्ट्रांग है सर, तो कुछ जमीन लेने के वजह से उनको थोड़ा प्रेशराइज कर रहा था। 144 में न्यूसेंस के लिए नोटिस होती है, तो क्या न्यूसेंस एसडीएम ने माना है कि आप क्रिएट कर रही हैं? नहीं, उसमें सर अगला पार्टी जो है ना वो इनके खिलाफ। मैं समझ गया, लेकिन आरोप क्या लगाया है एसडीएम ने आपके खिलाफ? आरोप उसमें बस लिखा है कि 6 जनवरी को आप मतलब कि उपस्थित हों अपने वकील के माध्यम से या स्वयं भी। नहीं, जमीन तो के जो, जो नोटिस गई होगी, नोटिस के साथ एक आरोप पत्र भी होगा कि आप इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट कर रही हैं, तो या तो न्यूसेंस आप हटा दीजिए, नहीं अपना पक्ष रखने के लिए 6 जनवरी को वकील के थ्रू पहुंचिए। तो वो आरोप क्या है? आप नाली रोक रही हैं, आपने रास्ता रोक दिया है, आप आवाज तेज कर रही है, मतलब न्यूसेंस के कई प्रकार हैं, तो वो तो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए है, तो क्या न्यूसेंस क्रिएट कर रही है सर? इन इस महिला को सर आज ही सर सुबह कोई आरोप पत्र नहीं मिला है, बस एक नोटिस मिला है और उसमें उनके दो बच्चों का नाम है और उनके पति का नाम है, इसे वो बहुत भयभीत है सर, कुछ कर नहीं रही थी वो। ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है 144 की आप इतना भयभीत होइए, अपना जाके जवाब दे लीजिए। अगर किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की होगी तो एसडीएम ने आपसे जवाब मांगा है, तो आप अपना जवाब दे दीजिए। उनके बच्चों का क्या होगा सर? नहीं, उनके बच्चों का क्या होगा? किसी का कुछ नहीं होगा। बासी माला मंसारी जी, पॉइंट समझिए, धाराएं होती हैं, उसकी अपनी पावर होती है। 144 बता रहे हैं जिस प्रकार से मिश्रा जी ने बताया, आप जा करके जानकारी ले लीजिए। ऐसा नहीं कि वहां पे जाते ही आपको गिरफ्त कर लिया जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा 144 में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी बात वहां पे जाके देखिए और उनको बोलिए कि वो धैर्य के साथ किसी वकील साथी के साथ जा करके अपनी बात रखें और अपनी जो भी मतलब है तो जानकारी प्राप्त करें कि भाई किन मामलों को लेकर के कैसा आपने बताए कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे हमारे पति बाहर रहते हैं, वो यहाँ नहीं। शिवन मिश्रा जी ने जिस प्रकार से अधिवक्ता हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, उन्होंने आपको सजेस्ट किया है। हमारे बीच में पिचौली जी हैं, आपकी आवाज, आपका नेटवर्क का इशू है पिचौली जी। चंद्रन जी, आप हमें लग रहा है कि आपका ऑडियो भी सही नहीं है, तब तक आप अपना ऑडियो सही करें। सपना मीणा जी ने अपना हैंड रेज किया, और सपना मीणा जी आप अपनी कौन सी दिक्कत है, आप अपनी बात पूछिए। सपना मीणा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार, नमस्कार, बताइए आप अपना प्रश्न पूछिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना प्रश्न किससे पूछना चाहती हैं उनका नाम भी आप बता दीजिए, तो वही हमारे जो महाशय हैं वो आपको प्रश्न का जवाब दे देंगे। मैं माननीय राहुल सर जी से पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछिए। हमारे राजस्थान में बजरी अवैध खनन 16/11/17 से बंद है सर, वो हाँ प्रश्न करिए अपना आप। वो मैं लगता है कि अनम्यूट नहीं है, अपने आप को अनम्यूट करिए सपना जी। हेलो। हाँ आप प्रश्न करिए अपना। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है आवाज, आप प्रश्न करिए। मैंने एक वो बजरी जब्त करवाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 16/11/2017 से बंद है राजस्थान में बजरी खनन, सब जगह बंद है ऑल इन। तो उसके बाद मैंने आ रही थी, वो गलत तरीके से आई थी बजरी, पता नहीं कैसे, तो उसको मैंने बंद करवा दी, उसको दी थी सूचना खान विभाग को, तो उसके अधिकारी ने उसको जब्त की। उसके बाद वो चोरी हो गई थी, दूसरी पार्टी ने उसको चोरी कर लिया था, तो उसकी चोरी की शिकायत मैंने दी थी, तो वो अधिकारी आया, लेकिन वो बोल रहे कि सारी झूठी है, गलत रिपोर्ट देती हो तुम, तो उनके लिए मुझे उन पर क्या कार्रवाई के लिए मुझे सर? देखिए पहले तो आईटीआई के हिसाब से तुम झूठी नहीं, तो पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने बजरी जब्त कराई थी उसके कुछ प्रूफ है आपके पास कि आपने जब्त करवाई थी, उस पर कुछ कार्रवाई हुई थी? जी 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 सर, मेरे पास सब कुछ एविडेंस है। एविडेंस है मैंने आईटीआई से सब कुछ निकलवा लिया सर। नहीं नहीं
ठीक निकलवा लिया था ना, तो इसका मतलब है एक चीज तो प्रूफ हो गई कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई थी। जी सर। अब आपको बस उसमें उसके बाद उसमें आगे क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी चाहिए। आप कह रहे हैं कि फिर वो वापस बजरी वहां से उड़ भी गई, चोरी हो गई। हाँ वहां से चोरी हो गई सर। तो चोरी होने के लिए भी आपने फिर कंप्लेंट की है? जी जी हाँ, उसके लिए मैंने कंप्लेंट डाली सर। तो ठीक है, तो उसमें उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की उस पर सर? नहीं नहीं, वो कार्रवाई तो उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की है जब चोरी आपने जो कंप्लेंट डाली तो उसकी आरटीआई लगाई फिर आपने कि इसमें हमने जो कंप्लेंट डाली है चोरी होने की उसमें क्या कार्रवाई की गई है? नहीं उसकी नहीं डाली सर। हाँ तो उसकी डाली है। वाह, देखिए क्या है कि ये कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्यों से ऐसे भाग नहीं सकता है। और दूसरा एक तो ये वहां पर अगर राजस्व को नुकसान पहुंचाया है किसी अधिकारी ने इस तरीके से गलत काम करके, इलीगल काम करके, क्योंकि ये अब शासन की प्रॉपर्टी हो जाती है, ये इस पर कोई अधिकारी इसको बेच नहीं सकता या उसको चोरी नहीं करवा सकता। उसकी उसकी जिम्मेदारी जो है, जवाबदेही जो है, वो जो भी स्थानीय अधिकारी उसकी बनती है वहां पर। तो अगर वो चोरी हो गई है तो उसमें जो भी अधिकारी उसके दोषी है उसके ऊपर। जी सर, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट आईटीआई से निकलवाया था सर, तो उसमें बोल रहे हैं कि तुम झूठी रिपोर्ट करती हो, सब कुछ झूठा है। नहीं ये कोई बोल कैसे सकता है ये, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखिए दो चीजें हैं सपना जी, मैं इन सब चीजों में ऐसा कोई लिख करके थोड़ी ना देगा कि तुम झूठी रिपोर्ट करता है, ऐसा लिख करके दिया है आपने। आरटीआई में जानकारी क्या मांगी थी कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ? मैंने सब कुछ एविडेंस दिया सर, कुछ सब कुछ, लेकिन वो सारी मेरे को झूठी बता रही है कि ये झूठी रिपोर्ट कर रही है, एविडेंस दिया था। ये आप मौखिक तौर पे बता रहे हैं ना, मौखिक बता रहे हैं ना आप, जो भी मुझे बता रहे हैं अभी आप मौखिक बता रहे हैं। यहाँ पर मौखिक आपको बोला गया ना कि आप झूठी रिपोर्ट देती है? नहीं लिखित में भी दिया मेरे को आईटीआई में, एक में लिखित दे दिया कि आप झूठी शिकायत करती है। अभी तो आप कह रही थी कि आपके पास एविडेंस है इसका कि जब्ती हुई है पहले के मांगे थे मैंने सर, एविडेंस भी है मेरे पास और उससे मांगी भी थी मैंने आईटीआई के सर, निकलवाई थी। तो उसमें एक विषय पे रहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सब लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका विषय अभी एक ही है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक आपकी जो मैं कंप्लेंट आपको फिर से आपको बता देता हूँ, आप अगर उसमें कुछ आप अगर मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ तो आप बताइएगा। आपने बजरी कंप्लेन की वहां पे जब्ती हुई, आपकी कंप्लेंट पर बजरी जब्त हुई है और उस पर कार्रवाई हुई, उसकी जानकारी आपने आरटीआई के से उसकी पूरी जानकारी निकाल ली, दस्तावेज निकाल दी, जिससे ये सिद्ध होता है कि बजरी जब्त हुई है। जी सर। दूसरी बजरी जब्त हुई कंप्लेंट आपने ये की है कि जो जब्त बजरी थी वो चोरी हो गई। जी 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 सर। बस अब आपको उसकी आरटीआई लगानी है, उसकी आरटीआई लगा करके उसकी जानकारी ले लीजिए। उसमें फिर जो अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई अगर उसमें गलत जानकारी दे रहे हैं तो उसमें फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए। जी जी सर, थैंक यू सर। ये कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में अन्य मेरे जो साथी हैं उन्होंने अपना हैदराबाद से के भद्रेश जी ने हैंड रेज किया हुआ है। आप अपने आप को अनम्यूट करके के भद्रेश जी आप अपनी बात पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए मोबाइल में, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कर ले आप अपने आप को मोबाइल से, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, जब तक वो अपने आप को अनम्यूट करें तो अपन टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर, अपने आप को अनम्यूट। नमस्ते सर। अच्छा चलिए ठीक है। नमस्ते। हाँ के भद्रेश जी पूछिए प्लीज। सर नमस्ते। सर हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा बात सुन रहा सर? मैं हैदराबाद से बात कर रहा सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा है। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बात करिए ना, अपनी बात रखिए। हाँ ओके ओके ओके, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट है और मैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक यूनिट किया, मैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन बोल के। मेरे कहने केमिकल फैक्ट्री है हमारे पास, वो केमिकल फैक्ट्री से बहुत बुरा पानी और गलीज पानी और पूरा गंदगी पूरा निकलता उधर, इसके वजह से पीसीबी में बहुत बार मैं कंप्लेंट किया, उन आ रहा है जा रहा है, हमारा पूरा
हमारा गांव अगला बगल दूसरा गांव में भी पूरा पानी पूरा अंडरग्राउंड पूरा वाटर पोल्यूशन हो गया। मैं क्या समझ ले आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, ये एनजीटी बोलता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें मैं उसमें फिल डालना चाहता, उसको कैसा जाना, उसको कैसा करना वो नहीं मालूम हो रहा, बोलने वाले पास मैं पूछ रहा सब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप सर्च कर लें अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेन्नई बेंच की चेन्नई हेड ऑफिस है वहां का मिल जाएगा। और अगर आप अपना ईमेल एड्रेस दे तो आई विल सेंड यू द कॉपी ऑफ पिटीशन फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा, उसके हिसाब से आप ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं। ओके सर, वो कंप्लीट करना कैसे करना वो मेरे को नहीं मालूम हो रहा उसके पास से। वो दैट इज अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो फॉर्मेट भी है, नाउ सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन फाइल होती है एनजीटी में और ऑनलाइन सुनवाई की भी व्यवस्था है एनजीटी में, तो आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं और सुनवाई भी ऑनलाइन हो सकती है। इसमें दो बात मैं बताना चाहता हूँ, ये शिवानंद भाई जी जी सर सर बोलिए सर या इसमें जो मिस्टर क्या बद्रेश जी हैं, पहले तो उनको आरटीआई फाइल करके जो पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लोकल है उसमें कंप्लेन फाइल करना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा चीज हमारे यहाँ हो रहा है, उसके बारे में उसे कुछ पेपर्स मंगाने हैं। नंबर वन, उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कि वो जिसको लाइसेंस दिए हैं जस्ट मिनट सर उसका इंस्पेक्शन करने का है, मैंडेटरी इंस्पेक्शन, ईयरली एक या दो इंस्पेक्शन उनके होते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट फाइल मांगी है अंडर आरटीआई कि लास्ट दो साल या तीन साल के जितना भी इंस्पेक्शन किए है वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप दीजिए। नंबर वन, आप जो कंप्लेन किए हैं उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है उसको रिपोर्ट मांगी है, और इफ यू आर सेटिस्फाइड कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज नॉट डन एनीथिंग देन यू कैन गो टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यदि आपको वहां पे एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, न्यू दिल्ली बेस्ड जो एडवोकेट है, वी कैन गेट यू कनेक्टेड विद देम। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। शिवानंद भी ये जीतू पिचुली जी आ चुके हैं सर, आपका फोन नंबर दे सकते हैं सर मैं बात करने के, शिवानंद भाई से ले लीजिएगा। पासवर्ड जो है वो शिवानंद जी का नंबर ही है, हमारे जो जूम आईडी का पासवर्ड है वो शिवानंद जी का नंबर है, आप उनसे ले लीजिए। पिचुली साहब आ गए हैं, no Pichuli sir is there but the point is I think he dekhiye unka awaaz aa raha hai ki nahi aa raha hai, he has got some audio problem. sir main aap baat kar raha main suna raha hu, please please talk whether we Shivanand ji se phone mein charcha kar lijiyega Badri ji, number na sir main message kar raha hu aapko, we are not okay, we are not able to listen you because I don't see the icon for the this voice icon in your ID, so I think there you have got some problem with audio, so I don't know what is the problem, same problem as the Sri Manoj Jena has earlier, so switch off karke wapas aa jaye, either you have to log out and log in again, log out karke switch off karke fir wapas log in kijiye, ha apne aap ko log out kariye, log out karke log in kijiye, aapka प्रॉब्लम ऑडियो का है, वी आर नॉट एबल टू हियर यू, प्लीज पिचुली साहब आर यू हियरिंग अस, आई थिंक ही कैन लिसन अस बट ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, देयर इज सम, प्लीज प्लीज स्विच ऑन, स्विच ऑफ फर्स्ट देन स्विच ऑन अगेन, मे बी योर ऑडियो विल वर्क, राइट नाउ योर ऑडियो इज नॉट वर्किंग, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। Okay, so till, please carry on. Okay, so sir, क्या मैडम आ चुकी हैं क्या या उनको अभी? नहीं 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 आई है, अपन लेटेस्ट क्लोज। Okay, so then आप आगे चले बस। हमारे और वसीम सॉरी राघवेंद्र सिंह तोमर जी, आपका हमने नाम अनाउंस किया था उस समय, फिर हमारे दूसरे साथी बोलने लगे थे हैदराबाद से, तो आप अपनी बात शॉर्ट में रखिए और कॉन्क्रीट तौर पर जो वाइड पॉइंट है। ओके नमस्ते, नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सोशल वर्कर था श्रीमान, तो सोशल वर्कर ने एक बाल विवाह रोकने के लिए एक कंप्लेंट फाइल की और उसमें उसका बाल विवाह रोका गया, उसके बाद क्या होता है कि 354 के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, जबकि वो व्यक्ति यहाँ नहीं कहीं बाहर था,
अब इसमें उसका क्या निराकरण किया जा सकता है? जी हेलो, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है राघवेंद्र जी, आपने अपना आपने अपना प्रश्न किनसे पूछा है आप थोड़ा सा ये भी बता दें। नहीं मनोज जैना जी सर हैं क्या? हाँ मनोज जैना जी हैं। हाँ तो मनोज जैना जी सर उसके हाँ जी बोलिए। चलिए एक बार और सर, मेरा क्वेश्चन सोशल वर्कर है जी जी, और सोशल वर्कर ने बाल विवाह रोकने के लिए एक कंप्लेंट लगाई थी और उसमें बाल विवाह रोका गया, उसके बाद उसके खिलाफ 354 की FIR लॉज हो जाती है और वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, वो व्यक्ति शायद उस समय गुजरात में था, तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप कहाँ कंप्लेंट दायर किए थे? कंप्लेंट दायर हुई थी, नहीं 354 FIR हुई थी श्रीमान इमरान जी जी। हाँ तो ये आपका ये जो DCPO का कुछ रोल रहा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर? नहीं हाँ उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन वही तो टीम गई थी, उसी के द्वारा वो बाल विवाह रोक गया या तकरीबन। ओके तो रोकने के बाद वो कहा वो इंटर आप इंटर FIR दर्ज हुआ और उसके बाद अरेस्ट हुआ कि नहीं कल्प्रिट? हाँ अब श्रीमान वो अरेस्ट हो गया, उसने 482 की लगाई थी इनहेरेंट पावर हाईकोर्ट ग्वालियर में जी, पता नहीं किसी कारण से नहीं हो पाया लेकिन कल उसने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो अरेस्ट तो हुआ है ना? हाँ अरेस्ट हो गया श्रीमान जी, फिर क्या करना है? लेकिन श्रीमान मेरा क्वेश्चन ये था कि उसने बाल विवाह रुकाया, तो जो व्यक्ति बाल विवाह रुकवा रहा है सोशल वर्कर है, उसके खिलाफ 354 लगी है। ओके 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 तो ठीक है। हाँ। ये यही बात जो भाई साहब ने पहले पूछा था कि जो ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है उनके खिलाफ अगर एक कंप्लेन वो लॉज होता है तो वो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपना वो बींग ए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर वो भी अपना कंप्लेन दायर कर सकता है जी। वो उनका 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 और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा जो मेरा अगेंस्ट में जो फॉल्स कंप्लेन किया है उसको थोड़ा क्वेश किया जाए और जो दोषी जो जिन्होंने ये एक्शन लिया है उनको दंडित किया जाए। जी जी, उसके बाद में श्रीमान उन्होंने फाइल करने के बाद में एक SP साहब को भी दिया था लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं आप NHRC में कंप्लेन आप दीजिए, फिर उसका वो ना डायरी का नंबर मुझे दे दीजिए। ठीक है कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न लेते हैं। वैसे हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आल्सो, बट हम एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह राजपूत राजपुरोहित, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करके पूछे। और पिचोली जी मैं कहना चाहूंगा कि आपका अभी भी ऑडियो क्या, आप बोलिए हम नहीं सुन पा रहे हैं, आप बोलिए कुछ बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए आप। No, we are not listening. We are unable to hear you. Yeah. You have got some audio problem, maybe due to the network problem. We don't know, but there are some problem on your side. Next time जोड़ देंगे सर उनको। जी नित्यानंद सर सवाल है मेरा, और एक जो पंजाब से कोई साथी जुड़े हुए थे उन्होंने कहा था कि भाई अपने RTI में जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो नित्यानंद जी सर से एक निवेदन था कि जो अपने जवाब नहीं मिल रहे हैं उनको अपन भारतीय साक्षी अधिनियम 1872 की धारा 74 और 76 के तहत लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते हैं, और उसमें कुछ फैसले भी हैं जो कानूनी पहलू और संवैधानिक कोर्ट के आदेश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है, उड़ीसा राज्य उपभोक्ता आयोग का आदेश है और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली के भी आदेश है इसमें। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपन आवेदन लगा के 30 दिन में अगर सूचनाएं नहीं देते हैं तो एक कोर्ट के जरिए या वकील के मार्फत नोटिस जारी करवा के उनके कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट में उस मामले को ले जा सकते हैं क्या? नहीं, जो मामले न्यायालय में विचाराधीन है उनके संबंध में आपको कोई रिकॉर्ड निकलवाना है तो ये प्रक्रिया आप मगा कर सकते हैं, पर जनरली जो रिकॉर्ड है उसको आप कैसे मगाएंगे? उसके लिए तो फिर अपने पास RTI एक्ट है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आवेदन नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी तहसील स्तर? नहीं, वो तो न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय में जब आपके पास कोई रिकॉर्ड आपको मंगाना हो, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अगर उससे संबंधित कोई रिकॉर्ड आपको तलब कराना हो, उसकी प्रक्रिया है। आपको न्यायालय के इतर अगर मामले हैं, उनके लिए आपको आरटीआई एक्ट के तहत ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे बीच में हमारे एक महत्वपूर्ण साथी हैं छत्तीसगढ़ से, हमने उनका जिक्र भी किया था, श्री देवेंद्र अग्रवाल जी। तो देवेंद्र अग्रवाल जी हमारे छत्तीसगढ़ से आरटीआई वर्कर्स हैं, और वो हमारे साथ मिलकर के कार्यक्रम भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। एक तरह से हमारे इसमें उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें आरटीआई की जानकारी से संबंधित, जब उनका केस चल रहा था, अपनी अपील ओपील की उनकी प्रोसेस चल रही थी, उस समय कुछ पीएचई विभाग के अधिकारियों ने षड्यंत्र रच कर उनके विरुद्ध कुछ मारधाड़ की इस तरह से। और जो भी उनका तो थोड़ा सा अपना अनुभव वो बताएं। और मनोज जेना जी हैं जो कोर ग्रुप मेंबर हैं एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए हमारे उड़ीसा से। तो वो आपकी बात को समझेंगे और शायद कुछ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। देवेंद्र अग्रवाल जी। हालांकि मेरा जो अभी मैंने हैंड राइज किया था वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए किया था, लेकिन चूंकि मौका दिया है शिवानंद भाई ने, तो मैं उस बारे में बताना चाहूंगा कि फर्स्ट तो जो मेरे पर मारधाड़ हुई थी, उस दिन मारधाड़ का कारण आरटीआई नहीं था। उस दिन मारधाड़ का कारण ये था कि हम जो है वहां पे एक ईमानदार सिस्टम की बात कर रहे थे, और मैंने एक चीज 2-3 महीने से मैं उस चीज पर काम कर रहा हूँ कि हमको सिस्टम को खुद बदलना पड़ेगा। सिर्फ आरटीआई लगाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो आरटीआई में जो पेपर है उससे हम चीजों को समझ नहीं पाते कि वास्तविकता में भ्रष्टाचार है कहाँ, गड़बड़ हो कहाँ रही है, जनता के पैसे जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि मैं आरटीआई लगाते रहता हूँ, इसलिए इसको आरटीआई के साथ जोड़ लिया गया है। वो विषय एकदम टोटली कॉमर्शियल एक्टिविटी से था, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट 20% जो है कमीशन चाहता है, 15-20% काम में घटियापन करता है, इन सब चीजों के खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे। इस कारण वहां के ठेकेदारों ने, क्योंकि उनको ठेकेदारों को प्रॉब्लम हो रही थी, अधिकारियों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो अधिकारियों के कहने से ठेकेदारों ने मुझ पर हमला किया था। इस जगह पे मैंने उनको विसिल ब्लोअर एक्ट का, जो प्रोटेक्शन एक्ट का है, उसके लिए अगेंस्ट में मैंने बात भी की थी, कलेक्टर वगैरह जितने भी अधिकारियों को बात की थी, पुलिस कंप्लेन लिखना नहीं चाह रही थी, बमुश्किल बहुत सहायता के बाद, साथियों की सहायता के बाद कंप्लेन लिखी भी गई, लेकिन उसको 155 काट के उस केस को खत्म कर दिया गया। जबकि उस पूरे मामले में सिर्फ मेरा ही मेडिकल मुचलका हुआ था, मेरी जांच हुई थी, मेरे ऊपर चोट लगी थी, मुझ पर हमले हुए थे, बाकी और किसी के अगेंस्ट वो नहीं थे। फिर बाद में सारा का सारा डिपार्टमेंट, जो अदर्स डिपार्टमेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर एक होके उन लोगों ने कलेक्टर के सामने धरना दिया था। इतनी बुरी स्थिति तक आ गई थी कि मेरी गिरफ्तारी के लिए उन लोगों ने इतनी मुहिम छेड़ दी कि हर डिपार्टमेंट जो रिलेटेड होते हैं सारे लोग एक हो गए। क्योंकि जड़ हिलती है इस तरीके की ईमानदारी की बातें करने से उनको, और उसमें आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मैं एक्चुअली मनोज जैना जी से जो 2 सवाल अहम करना चाह रहा था, मेरे 2-3 केसेस हैं, जैसे एनएचआरसी में मेरा एक केस है 2017-2018 में पेंडिंग है, मैंने 2-3 बार वहां पे रिक्वेस्ट भी डाली कि उस पर मैं खुद प्रेजेंट होकर अपनी बात को रखना चाहता हूं, क्योंकि बार बार एनएचआरसी कुछ भूल कर रहा था, जो वो रेगुलर ऑर्डर निकालता है, रेगुलर ऑर्डर में वो बार बार भूल कर रहा था चीजों को समझने के लिए। मैं बार बार उनको एक्सप्लेनेशन दे रहा था लेकिन वो बात को समझ नहीं पा रहे थे, टेक्निकल बात को। तो मैंने वहाँ की टेक्निकल टीम, जो लीगल टीम होती है, उनको रिक्वेस्ट डाला, चेयरपर्सन को रिक्वेस्ट डाला कि मुझे इन पर्सन सामने खड़े होकर मुझको अपनी बात को समझाने और रखने का मौका दिया, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल डिनाई कर दी है, बोले हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं क्या ऐसा कोई सिस्टम होता है जिसमें अगर कोई बात टेक्निकली वो नहीं समझ पा रहे हैं, हम उनको लीगल पॉइंट पर नहीं समझा पा रहे, तो उसको कैसे प्रेजेंट करें इस तरीके के मामलों में? जी, वो उन्होंने तो नोटिस अधिकारी को दिया होगा, अधिकारी का कुछ रिपोर्ट गया है उनके पास? हाँ, एक्चुअली नेशनल लेवल की कमिटीज आई थी, क्योंकि मैं एक्चुअली हेल्थ सेक्टर्स पे काम कर रहा था, तो कुछ हेल्थ सेक्टर्स के इश्यूज के कारण नेशनल कमिटी ने इन्वेस्टिगेशंस किया था। उस नेशनल इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स के अगेंस्ट पर कौन इन्वेस्टिगेशन किया था? आईसीएमआर की टीम आई थी, आईसीएमआर और आपका नेको से रिलेटेड जो टीम थी, उन्होंने वहां पे आके
इंस्पेक्शंस किया था हॉस्पिटल्स वगैरह के कुछ डॉक्टर्स के लिए इस के रिपोर्ट्स में, और वो चूंकि काफी कॉन्फिडेंशियल इश्यूज है इसलिए मैं यहाँ पे सबके सामने वो चीजों को नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज थे, जो पेशेंट्स थे, जो पीड़ित थे, उनके बारे में बताने से काफी कुछ हो सकता है। तो मैंने इन बातों को रखने के लिए, कोई टेक्निकल इश्यूज था इसलिए मैंने वहां पे बोला कि इस बातों को इन पर्सन हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो भी उसके बाद हमको समय नहीं दिया गया, हमको रखने के लिए मौका नहीं दिया गया। मैं एनएचआरसी गया, वहां पे लीगल ब्रांच से मिलने की कोशिश की, बोले हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, आप जो है लिख के दीजिए। तो ऐसे टेक्निकल इश्यूज आता है वहां पे। नहीं नहीं, एनएचआरसी से आप पिटीशन दायर करने के बाद वहां से कुछ ऑर्डर निकला क्या? कुछ हाँ, वो ऑर्डर जो रेगुलर ऑर्डर निकल रहे थे सर, उसमें हाँ। बार बार वो टेक्निकल फॉल्ट कर रहे थे, उनके तरफ से आए हुए रिस्पांस की रिप्लाई का कुछ पॉइंट पकड़ के रखे हुए थे, लेकिन जब हम उस जो रिप्लाई वो यूज कर रहे थे उसमें गलत समझ रहे थे। आप किसके खिलाफ में कंप्लेन पिटीशन दिया था, किसके खिलाफ? यहाँ पर सर मेडिकल जो बॉडी है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की मेडिकल बॉडीज थी पूरी की पूरी, उनके अगेंस्ट दिया था। सेल के अच्छा, वहां से कुछ ये इन्होंने कुछ रिप्लाई दिया है, सेल के बड़ी कुछ रिप्लाई दिया है? हाँ, सेल की बॉडी रिप्लाई दी थी, वही बता रहा हूँ। आपके पास रिप्लाई का कॉपी आया है? रिप्लाई की कॉपी आई है सर। उसमें क्या है, वो क्या उन्होंने लिखा है रिप्लाई में, क्या दिया है? सर उनका जो कहना था कि उनके डॉक्टरों की तरफ से या जो उनकी मेडिकल तरफ से कोई गलतियां नहीं की जा रही थी, उन गलतियों को समझाने के लिए उन्होंने कुछ मेडिकल टर्मोलॉजी की लैंग्वेज यूज की थी, जो कि मेडिकल टर्मोलॉजी का जो उन्होंने यूज किया था वो गलत था। समझना या समझाने का काम डॉक्टरों का होता है, उसके फेवर में हमारे लिए फेवर में हमारे पास रिपोर्ट थी आईसीएमआर की, उस रिपोर्ट को भी ध्यान ना देते हुए उस ऑर्डर के उस पॉइंट को हमेशा हाइलाइटेड करते हुए ऑर्डर निकल रहे थे कंटिन्यू। इसी बात को समझाने के लिए हम वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको इन पर्सन खड़ा होकर अपनी बात को रखने का मौका दिया जाए। अभी 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 केस चालू है कि क्लोज हो गया है? केस चालू है लेकिन बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, वो आता है डेट चल जाता है, क्योंकि हमको भी ये लगता नहीं कि वहां से कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही एक और केस मेरा एनसीपीसीआर में था, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट में। उसमें भी हमने क्या किया था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जो है, छोड़िए छोड़िए उसका, ये अभी इसका वो डायर का वो केस डायर का नंबर थोड़ा मुझे दे दीजिए, मैं उसको फॉलोअप करके मैं फॉलोअप करके आपको वो क्या डिटेल में हो सकता है मैं आप करूंगा, आप थोड़ा उसका नंबर का भी ये मामला आपको, अगर हो सके तो, अगर हो सके तो आपको फिजिकल प्रेजेंट होके आपका बात कहने के लिए मैं ट्राई करूंगा। मैं 19-20 तारीख को एनएचआरसी में रहूंगा और मैं वो उसको फॉलोअप करके मैं फिर आपसे संवाद करूंगा। जी सर, दूसरी चीज, एक चीज और बोल रहा था कि एनसीपीसीआर ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने भी ब्लड बैंक थे छत्तीसगढ़ के, यहाँ पे हमने बहुत बड़े कुछ स्कैंडल्स पकड़े थे, हमने जब उसको ब्लड बैंक के जब बातें करी तो एक ऑर्डर निकाला कि जितने भी ब्लड बैंक थे उन सबकी पीरियोडिकल चेकिंग की जाए। फर्स्ट टाइम हमने पीरियोडिकल चेकिंग के लिए निकाला था, तब उस समय छत्तीसगढ़ के सारे ब्लड बैंक में से 72 ब्लड बैंक, मतलब टोटल 88 बैंक से ब्लड बैंक, 72 ब्लड बैंक में खामियां पाई गई थी। किसी का 3 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन का सस्पेंशन हुआ था, में हमने सुधार के लिए उनको रेगुलराइज करवाया था। लेकिन उसके बाद हमने जब उसको बाद उनको बोला कि ये पीरियोडिकल चेकिंग के लिए इंस्पेक्शन के लिए बोला गया है ऑर्डर पे, तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज, इन्होंने उसको साफ मना कर दिया, बोले कि वो एक ही बार के लिए। हमने इसके लिए वापस एनसीपीसीआर को लिखा कि आपने ऑर्डर दिया था कि ये पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होगा यहाँ पर, तो वो इंस्पेक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया, और एनसीपीसीआर को मतलब ऐसा है कि मतलब इसके ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं की जा। एनसीपीसीआर को क्यों दिया? एक्चुअली कुछ हमारे पास मामले आए थे, हमने एक डाटा, ये क्या चाइल्ड रिलेटेड केस था क्या? हाँ, चाइल्ड रिलेटेड केस था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 2600 बच्चे एचआईवी संक्रमित, इनमें से 1000 बच्चों के मदर फादर जो है वो इन्फेक्टेड नहीं है। 14 साल से नीचे की उम्र के बच्चे जो सेक्सुअल रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते, वो
और उनके मदर फादर इंस्पेक्टेड नहीं है तो उनके एचआईवी संक्रमित होने का सिर्फ दो ही कारण हो सकता है, या तो कोई मेडिकल इंजरी के कारण से हुआ हो या फिर वैक्सीनेशंस के कारण से हुआ। ये दोनों फॉल्ट जो है मेडिकल इश्यूज के मैटर है ना। तो हमने क्योंकि कुछ ब्लड बैंक्स में प्रॉपर काम नहीं हो रहे थे, इसी कारण से हमारा ब्लड बैंक का केस चला था, और हमने ब्लड बैंक्स के उसमें ये भी दिखाया कि वो अपनी जो कंप्लायंस करने चाहिए सारी चीजों के कंप्लायंस नहीं करते, इसलिए वो ब्लड अनसेफ है। तो इस तरीके के मैटर को हमने कंप्लेन को प्रेजेंट किया था वहां पर। तो फर्स्ट टाइम में जब इतना बड़ा फॉल्ट आया है, दिखाई दिया है, तो उसकी पीरियोडिकल इंस्पेक्शन को रोकना ही बहुत बड़ी गलती है। और मैटर छोटा नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैटर है, और इसको हम लाइफ के साथ जोड़कर इस चीज को देखना चाहिए। तो एनसीपीसीआर से कुछ रिप्लाई अभी तक नहीं आया है? नहीं आया वहां पर, मतलब ऐसा है कि चूंकि इसमें बहुत मेडिकल इश्यूज जुड़ जाते हैं, मेडिकल के बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं। ये कब का केस है? कब का केस है ये? अराउंड 2017-18, मतलब मैंने एक्चुअली मेडिकल फील्ड में जब इंटर्न किया था तभी इसे मेडिकल फील्ड के इस तरीके के केसेस देख रहा था। ये बहुत पुराना हो गया है, अगर एक साल के अंदर होता तो आप एक बार फिर एनएचआरसी में पिटीशन डाल सकते थे। ये तो बहुत पुराना हो गया। एनएचआरसी में भी डाला, मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इन लोग मेडिकल फील्ड में कुछ करना नहीं चाहते, इन लोग एमसीआई को लेटर भेज देते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं, और सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो बायस्ड होते हैं डॉक्टर्स और मेडिकल उसके लिए। जहाँ पे अगर गलती है तो वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि कोई जान पूछ के नहीं करता, लेकिन लापरवाही को वो नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई ये लापरवाही जो हो रही है उसको रोकने के लिए भी गलत नहीं ठहरा सकते। भाई गलतियां तो कर रहे हैं ना वो, बहुत सारा चीज है, कुछ भी लिखेंगे तो उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए देवेंद्र जी, बहुत सारा चीज है, कुछ जैसे आप इंटरवेंशन के साथ साथ कुछ एडवोकेसी का अगर प्रोग्राम मैंने एक्शन लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे आप मीडिया एडवोकेसी कर सकते हैं और कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एनएचआरसी हो, एनसीपीसीआर हो कि जो भी हो, क्वासी जुडिशियल बॉडी, उनके भरोसे पर सब कुछ छोड़ देना नहीं चाहिए। हमको भी को अपना स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। तो इसीलिए एक्चुअली पब्लिक सपोर्ट क्रिएट करना, क्योंकि एक आदमी अपने लाइफ में अपनी परेशानियों से भी जूझता है, फिर भी हम जितना होता है हम अपने लाइफ को कोशिश करते हैं समय निकाल के करने की। अगर एक साल का अंदर एक केस होती है जब हम कुछ करने नहीं, निराशा होने का कोई जरूरत नहीं है। हम तो ये बात पहले भी बोले थे कि हम इसको छोड़कर क्या कर सकते हैं। यही कानून व्यवस्था हमारा, जो भारत के कानून व्यवस्था में हमको फिर तो जाके दायरे में जाके तो काम करना चाहिए। तो इसीलिए हमको फिर मैंने अपना स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, तो ये हमको सीखना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात था। थोड़ा सा सर अगर आप हेल्प कर सके, अगर वहां पे हमारी हियरिंग करवा सके तो आपका सहयोग होगा। हाँ, वो इसीलिए मैंने बोला नित्यानंद शिवानंद जी को, आप अपना और मेरा नंबर आप ले लीजिए। अगर नित्यानंद भाई को अगर उचित लगे तो आपका नंबर मुझे दे दें, तो मैं आपको पर्सनली और भी एक्सप्लेनेशन मुझे दे देंगे, आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा देवेंद्र जी। और कार्यक्रम में अब काफी समय बीत गया है, तो प्रवीण जी क्या कार्यक्रम को रैप अप किया जाए? चंदन जी को देख लीजिए। हाँ, चंदन जी हमारे बीच में जुड़े हैं, लेकिन हम वही प्रॉब्लम, उनका वॉल्यूम आया कि नहीं पता नहीं। नहीं नहीं, वॉल्यूम चंदन साहब सुन सकते हैं? आर यू लिसनिंग टू अस? बट वी आर नॉट एबल टू लिसन यू सर। सुन तो सकते हैं लेकिन उनकी आवाज हम यू कैन डू वन थिंग सर, नेक्स्ट ऑन 25th वी हैव, बट वी विल बी वेरी टाइट ऑन दैट डे। ऑन संडे इफ यू कैन कम अगेन एंड बाय द वे टेक सम हेल्प from the technical person so that we can hear you. We can see you but we are not able to hear you. Sometimes it happens, I don't know. Okay. मैं इनफैक्ट देख रहा था कि मनोज जैना जी भी जब शुरू में जुड़े थे तो 3-4 बार उनको लॉग आउट कर, नहीं उनका भी प्रॉब्लम हुआ था, चल रहा था। लेकिन दूसरा, ये जो देवेंद्र जी ने जो बात कहा ना, उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो इन्फेक्शन की बात आती है एचआईवी की, तो उसके अंदर बच्चों के, इतने सारे बच्चों के, एक दो बच्चों की बात होती तो अलग थी, ये सब 500-600 चिल्ड्रन की बात आप कर रहे हैं। तो
जो ब्लड का कलेक्ट करना, जो यहाँ से ब्लड बैंक की जो बात कर रहे हैं, वहां पे भी वो लोग ने एक ही निडल से कई लोगों का लिया हो, या एचआईवी जिसको हुआ है संक्रमण और उसको बिना टेस्टिंग किए उनका ब्लड लेके किसी में ट्रांसफ्यूज किया हो, तो ये कंटामिनेशन का प्रॉब्लम साथ में साफ साफ दिखता है, आइदर एट द टाइम के जब ब्लड लिया है और एट द टाइम जब ब्लड दिया है एक ही निडल से 50 आदमी को ट्रीट किया हो, ये भी हो सकता है। तो ये केस जो है ये सीरियस मैटर है, ये कि आगे भी हो सकता है यदि इसको न चेक किया गया तो। यस शिवानंद भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, आपने वेंकट जी आए हैं, कुछ बोलना चाहें तो पूछ लीजिए। हाँ, इस विषय पर आने वेंकट जी तो बिल्कुल ही बोलेंगे। सर स्वागत है आपको, अपने आपको एक सेकंड तो सर अनम्यूट कर लें और अपनी बात आप अवश्य रखें, आपको तो सुनने के लिए हम सब बेताब रहते हैं। आपका भी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ आ रहा है। नाउ इट्स ओके। नमस्कार शिवानंद जी, धन्यवाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आप हर संडे सिस्टमैटिकली काफी अच्छा मुद्दा लेके आप वेबिनार कर रहे हैं और 4 घंटे के बाद 60 आदमी अभी भी 60 पीपल अभी भी जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, वो भी संडे का दिन। और आज का सब स्पीकर लोग बहुत अच्छा बात किया है, और काफी समस्या तो है और हल निकालना है, लेकिन काफी ऑब्स्टेकल तो फेस करना पड़ता है। ये कंट्री में कोई भी चीज काम करवा के लेना है इतना आसान नहीं है। जब तक हमारा बीच शिवानंद जैसे, राहुल सिंह जैसे, प्रवीण पटेल जैसे आदमी हमारा बीच है, तो इसका समस्या निकलना आसान है। और आप सब पार्टिसिपेंट्स को मैं बधाई देता हूँ फॉर योर एक्टिव रोल इन आरटीआई एंड ऑल द अदर फील्ड्स इन द सोशल वर्क, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू शिवानंद एंड प्रवीण पटेल फॉर द एक्सलेंट वेबिनार यू आर होस्टिंग ऑन अ वीकली बेसिस। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद वेंकट सर, और आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा, तो ये सब आगे चलता रहेगा और बेहतर होता रहेगा। तो नित्यानंद जी हमारे बीच में हैं, तो फाइनल मैं कहूँगा कि वे कार्यक्रम को वो बाइंड अप करें और कुछ अपनी बात रखते हुए। और नेक्स्ट वीक का अनाउंसमेंट करना 25 तारीख का। हाँ जी जी, 25 तारीख के कार्यक्रम के बारे में माननीय प्रवीण पटेल जी आप लोगों को अवगत कराएंगे। आप ही अनाउंस कीजिए ना सर। ओके नो प्रॉब्लम। तो 25 शायद सैटरडे होगा उस दिन, 25 सैटरडे। हाँ ओके सैटरडे। तो आपका शनिवार के दिन 25 दिसंबर को टॉपिक क्या रहेगा प्रवीण जी? ये नेशनल कन्वेंशन ऑफ, मैं ही बता देता हूँ, चलिए नेशनल कन्वेंशन रहेगा ह्यूमन राइट डिफेंडर्स का, उसमें सभी स्टेट से लोगों को इनवाइट करेंगे और कुछ 4-5 गेस्ट को भी इनवाइट करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें इंदिरा जयसिंह जो सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की, उसको इन्वाइट करें, और कुछ 3-4 लोग जो इस फील्ड के अलग अलग एडवोकेट हों, जज हो, एक्टिविस्ट हो, इस प्रकार ज्यादा लाएंगे तो फिर डिफेंडर को टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग हर डिफेंडर को भी कुछ ना कुछ समय देना है, तो 2 या 3 गेस्ट को लाएंगे, बाकी सब हम लोग अपना आपस में जितने भी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं वो बात करेंगे। मनोज भाई इसमें 2 शब्द कहें तो अच्छा होगा, उनकी जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल फेडरेशन और आपकी आरटीआई, ये तीनों ग्रुप मिला के इसको लेटेस्ट ज्वाइंटली होस्टेड। व्हाट यू से मिस्टर मनोज कुमार? जी थैंक यू प्रवीण जी, ये एक अच्छा एक मौका होगा हमारे लिए जो हम काम करते हैं आरटीआई फील्ड में, ह्यूमन राइट्स फील्ड में, चाहे एनवायरनमेंट में, चाहे मीडिया पर्सन हो, जो भी हो, हम सब लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में, नेशनल लेवल का एक ही प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म में आने से पहले हम अपना जो प्रॉब्लम्स है अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो इसीलिए 25 तारीख को एक अच्छा दिन है, बड़ा दिन जो क्रिसमस डे भी है, इसीलिए उस दिन से हम कोशिश करेंगे कि नेशनल लेवल में जो भी एमिनेंट ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हो, चाहे
और उनके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी चेयरपर्सन को रखेंगे, सेक्रेटरी जनरल को रखेंगे, जो फोकल पॉइंट है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर उनको भी रखेंगे, और कुछ हमारा जो प्रवीण भाई जो अच्छे अच्छे जो जजेस को रखते हैं जो भी रखना चाहिए, हम सबको रख के एक सब स्टेट से मैं उम्मीद करूंगा कि सब स्टेट से ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जोड़ेंगे, ये नेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर इसको yes. That is what the title has been given. Yeah, तो ये होगा. Just a minute. हाँ बोलिए मनोज भाई. बस यही है, मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े. ये प्लेटफॉर्म में कितने जुड़ सकते हैं? Up to 1000. नहीं बड़े. इस समय 500 तक. 500 के लिए. 500 तो. There are some problem. People we are not reading. इसमें एवरेज में 100 तो मामूली है जुड़ जाना, बाकी इसकी थोड़ी तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे वी विल हैव मच मोर पीपल. जी जी जी, तो इसलिए हम एक दो दिन में पूरा अपना ये सारा मैसेज सब जगह हमको भेज देना चाहिए, तो बस बस वही सबको इनवाइट करेंगे. लेट अस डिस्कस इन द इवनिंग एंड फाइनलाइज इट. यस वेंकट जी, ये ह्यूमन राइट्स में हजारों विषय थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ इश्यूज. अभी हमारा देश का बहुत बड़ा मुद्दा क्या है, द इश्यू क्या है, तो इंस्टेड यू चूज द नैरो डाउन टू द मोस्ट प्रायोरिटी और अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्म और व्हाटएवर इट इज, दैट टाइप ऑफ टॉपिक यू चूज नैरो डाउन टू 5 or 10 टॉपिक्स, एंड व्हेन यू इनवाइट द स्पीकर ईच स्पीकर गिव अ स्पेसिफिक टॉपिक. So what happens is in the convention, we cover all the topics. If you don't give a topic to the speaker, what happens is almost all the speeches will be the same. They cover the same issue and other things. So you better narrow down the topic. And also my suggestion is human rights is an international issue. Only in India it is not taken seriously, whereas in the developed countries it's a very, very big issue. So I think you must have a keynote speaker from the international arena if possible. So that it adds to the weight to the convention and also dignity to the convention, because it's an international issue, and the focus on major issues rather than diluting with silly items, small items and all. So I think that finalizing the topic and giving a specific topic to each speaker, I think it will add weightage to the entire convention. That's my suggestion. No, that we'll discuss in the evening with Manoj bhai and finalize it जी. immediately, because we have only 6 days in hand. Mm-hmm. And timing is only 5 hours, 11 to 1 and 3 to 5:30. That means 4.5 hours. We cannot include so many things. We will have to be selective on one or two topics. That's all. No, 15 minutes speech. Not like if you have got, let us say, 10 speakers. Then what about the national level defenders? They will also be joining. So they will also have to say something. Manoj bhai, any comment? No, यही है कि ये जो भेंकट रमन जी बोल रहे हैं कि basically हम human rights defenders का क्या challenges है, जैसे जैसे वो आरटीए activist का क्या challenges है, forest rights activist का क्या challenges है, LGBT rights का क्या challenges है, और different activist का क्या challenges है, वो अपना बात रखेंगे. तो डिफेंडर्स विल स्पीक. क्या और हम अभी तक जो कोई बात बोल रहे थे कि व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी तक वो एक्ट अभी पार्लियामेंट में अभी कोल्ड स्टोर में है, उसको पारित नहीं हुआ है. हम लोग प्रेशराइज करेंगे कि उसको कैसे पारित किया जाए, उसको कैसे लीगल एंटरटेनमेंट किया जाए. तो इसीलिए हमारा ये जो दिस इज द प्रिलिमिनरी मीटिंग, ये प्रिलिमिनरी मीटिंग है एक नेटवर्क का, एक डिफेंडर नेटवर्क का. बाद में हम धीरे धीरे दूसरे जो सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कशन करेंगे. नहीं, जैसे वेंकट जी बोल रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल के लोगों को लाना, वो भी पॉसिबल है, बट लेट अस नॉट गो फॉर इन द फर्स्ट मीटिंग, उसको बाद में करेंगे. वी हैव कॉन्टैक्ट्स इन यूरोप. ओके यस सर, शिवानंद भाई जी जी, सो वी विल डिस्कस ऑल दैट, मे बी हम आगे. नहीं नहीं, आपको से कमेंट चाहते हैं इसमें जो अभी बात हुई उस पे. नहीं, हमारा बिल्कुल जैसी भी हमारी आवश्यकता है, मैं सदैव तत्पर हूँ, और
सभी सामाजिक कार्यों में आप मुझे बिल्कुल पूछने की भी आपको जरूरत नहीं है, मैं हूं। और मैं प्रवीण भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेबिनार के बाद अगर स्थिति ठीक रहेगा, मैं भी एक ऑफलाइन जो मीटिंग हम जो प्लानिंग किए थे 3 दिन का, वो तो फिजिकल मीटिंग करेंगे, फिजिकल चाहे वो अभी, लेट दिस ओमिक्रॉन फीवर बी ओवर। एग्जैक्टली, तो ये अभी 2 महीना 1 महीना मत करिए, बट वी विल हैव इट, जैसे आप कहा ना, ऐसा पूरी में करेंगे। हाँ, तो हम जगन्नाथपुरी में सारे नेशनल लेवल का जो डिफेंडर हमारे साथ जुड़ेंगे, हम सब बुला के हमारा एक नेटवर्क बनाएंगे, और बस 2 दिन का रखेंगे, 1 night स्टे एंड 2 days, 2 day and 1 night। हम 3 days का रखेंगे, ठीक है, चलिए, देयर वी विल प्लान। इतने दूर से आए, थोड़ा भी तो एक्सपोजर घूमना भी चाहिए उनको। ठीक है, वो भी डन, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। कोई भी मीटिंग होती है, किसी दूसरे स्टेट में जाना होता है, तो ये सिर्फ मीटिंग तक ही ना रह जाए, वो कल्चरल एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। एग्जैक्टली, स्टेट में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं उनकी कल्चर और उसके बारे में। वो फरवरी में देखेंगे अपन, फरवरी में ठंड भी नहीं होगी, गर्म भी नहीं होगा। हम 25 तारीख को डिसाइड करेंगे, या डेट भी डिसाइड करते हैं तो अच्छा होगा, 25 तारीख को डिस्कशन करेंगे। या ओके शिवानंद भाई, जी, तो ठीक है, फिर इस इन्हीं सब बातों के साथ अपन 25 तारीख को जरूर मिलेंगे, और हर संडे को जो हमारा अगला संडे है उसमें श्याम मुरारी प्रसाद जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, तो आप बार बार हाथ उठा रहे हैं, तो बस बहुत ही शॉर्ट में आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए अपनी। तीन हाथ अभी भी है ऊपर। हाँ है सर, शिवानंद भाई जी, हमारे बीच में जयपाल सिंह जी है, चौरसिया जी है, और राघवेंद्र सिंह जी भी है। लेट्स एक्सटेंड इट टू नेक्स्ट 15 मिनट और 2 तक अपन ले जाते हैं। चलिए आप लोग, या ये सबका सवाल ले रहे हैं आप पहले। हाँ श्याम मुरारी जी, प्लीज पूछिए। जी, सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है आपके मंच पे। मैं ये जानकारी देना चाह रहा था, और शायद कल मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर भी किए थे शिवानंद जी, एक मैटर यहाँ का, जो कि गांधी जी के साथ जो फोटो लगा करके अश्लीलता के साथ और भद्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए जो वायरल किया था टीचर, उसकी मैंने न्यूज भी बना करके आपको सेंड किए थे, जो आप पढ़े भी होंगे, जो कि अपने इसको प्राइवेट संस्था भी चला रहा है, उसका डायरेक्टर भी है, नियोजित टीचर भी है। और सबसे दुख की बात ये कहना चाह रहे हैं, शिक्षा विभाग बिहार प्रदेश के लिए बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा है कि 2012 के पहले ये हाई स्कूल में टीचर थे, वहाँ पे इसकी फर्जी सर्टिफिकेट पाया गया, जिसके आलोक में इसको वहाँ से पद से हटा दिया गया, उसके बावजूद भी इसको नियोजित टीचर बनाया गया, और इतने सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ एक अभी जो लेटर इशू किया, वो भी मैंने आपको शेयर किए थे, कल मैंने उपलब्ध कर लिया था, जो कि 100 काउज निकाला था, और 100 काउज निकला भी नहीं, और टीचर ने विशेष सूत्र से मुझे जो जानकारी मिली कि वो काउज भी बना के दे दिया और कुछ और इशू बना दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरे पास में मोबाइल नहीं था और मेरी भांजी ने जो है इसको शेयर कर दिया, जबकि हमने ये डिमांड किए हुए हैं और अपील कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के नागरिकों से कि इसके ऊपर तो आवाज उठाते हुए इसके ऊपर तो देशद्रोह की नहीं कदमा दायर होनी चाहिए। मैं आपकी बात को समझ, इसमें आप लोग सुनिए, अब मैं ये कहता हूँ कि आजकल जैसे गांधी जी हो गए या कोई फेमस व्यक्ति हो गया जो ज्यादा हाईलाइटेड है वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे, या भगवान हो गया, इस तरह से ऐसे ऐसे ये कैरेक्टर्स हैं जिनको गाली खाना तो लगता है कि अब इस समय में एक वो हो गया है कि मतलब लोग बिना कुछ सोचे समझे सोशल मीडिया में या जहां भी उनको टैग करके फोटो लगा करके गाली दे देते हैं। अब इसकी यदि बात की जाती है तो ये भी आता है कि यदि किसी को, हालांकि ये बात है कि किसी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये नहीं आता है कि हम कुछ भी कहें किसी के बारे में अपशब्द या इस तरह से, पर यदि इसकी ज्यादा बात करें कि इसमें सेंसरशिप भी होनी चाहिए तो फिर वो भी बात आ जाती है कि भाई ये तो आवाज को और उसको कुतरने का प्रयास है, तो दोनों पक्ष उसके हैं, वो डिबेट हमेशा ही चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि इस मामले में जो आपने कहा, यदि आपको पता है, दुनिया में मत जाइए, देश दुनिया ये सब छोड़िए, आप अपनी बात करिए, हमारी बात करिए, आपने यदि देखा कि ये वायलेशन हुआ है और किसी ने इस तरह से किया है, तो
तो उसके पुख्ता दस्तावेज प्रमाण आप एकत्रित करते हुए संबंधित थाने में या एसपी को इसका वो दीजिए, दरखास्त दीजिए, उसकी शिकायत करिए और उसकी आप कार्यवाही करने की मांग करिए। यदि आपके प्रूफ पर्याप्त हैं तो वो कार्यवाही करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट में जाने का दूसरा तरीका होता है। बाकी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आज फेसबुक उठाइए, मैं बताता हूँ हमारे बीच में बहुत सारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं, ट्विटर उठाइए, हर जगह क्या क्या नहीं चल रहा है यहाँ, इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतना अनसंट हो रहा है, एक पार्टी का उसको सपोर्ट करता है, दूसरा वाला उसको वो कर रहा है, ये इस चीज का आप क्या कर सकते हैं बताइए, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या किया जाएगा। ये तो संस्कार और अपनी सोच की बात है, अब किसको क्या करना है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, और इस बात को तो मैं यहीं तक कहूंगा। हालांकि हमारे बीच में एक्सपर्ट भी हैं और अपनी बात यदि रखना चाहें तो, पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा आगे ले जाने का ऐसा। शिवानंद भाई, ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि जब हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, अगर आपका अमेरिका का फादर ऑफ नेशन के खिलाफ कहेंगे तो वहां पे कठोर दंड विधान है, जिन्ना के खिलाफ कहेंगे तो पाकिस्तान में वो फांसी तक दे देंगे, लेकिन भारत एक देश है, हम ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अपना फादर ऑफ नेशन को गाली गलौज और कह रहे हैं, और एक ही पार्टी में भी दो ग्रुप है, एक रेस्पेक्ट करते हैं तो हेड ऑफ द पार्टी करते हैं तो, और उनका जो चला मैं दूसरे उनको खिलाफ में वो क्या क्या नहीं करते, तो ये मैंने बहुत दुख की बात है। अगर आप इसको कार्रवाई, हम तो इंटरवेंशन आप अगर करेंगे तो ठीक करिए, तो उसको ये पर पॉलिटिकल है और कुछ तो नहीं कर ही रहे, नथिंग मोर देन पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं, गांधी जी हो या किसी और को भी हो, राजनीति से डायरेक्टली जुड़ा हुआ मामला है। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल नहीं, श्याम मुरारी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी मतलब ना किसी का ऐसे वो कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ ना कोई आलोचना, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि जो आरएसएस के या बीजेपी के समर्थक हैं, ठीक है ना, वो सीधे सीधे गांधी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हमारे फ्रेंड लिस्ट में भी जुड़े हुए हैं फेसबुक में, उसको उनको सुनना पड़ता है, मुझे पसंद नहीं आता तो उससे मैं टैग से हट जाता हूँ या कुछ कमेंट करके हट जाता हूँ, और उधर फिर जो और कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टियों के लोग हैं तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को इसी तरह से उनके पार्टी वाले को कहते हैं। ये क्या चल रहा है देश में बताइए, इसका समाधान क्या है? इसको तो सीधा बोल सकते हैं, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देश में पुलिस होती है। आज के दिन में जो श्याम मुरारी जी ने कहा, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल में डाल देते, पर्याप्त कारण है। आज गांधी जी के खिलाफ कुछ भी उल्टा पुल्टा बोले तो उसको तो जेल में डालने का तो अधिकार है पुलिस को, मगर पुलिस इसलिए नहीं डालती कि जो सरकार चला रहे हैं उनकी इसमें मौन सहमति कंसेंट है। ये सब चीजें इसीलिए कर रहे हैं। एनीवे, वी विल लेट अस नॉट डिस्कस ऑन दिस, दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। ओके ओके, नेपाल सिंह, दिस इज एंडलेस, ओके एंडलेस है। और ये जब तक ये सब मंदिर मस्जिद ये सब उसी की उपज है। हाँ जयपाल सिंह जी बताइए, शॉर्ट में अपना बात रखिए जी। जी मेरा एक तो देवेंद्र जी से निवेदन था, जल जीवन मिशन के ऊपर, जल जीवन जो मिशन है उसमें जो टंकियां बनी है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, जैसे हमारा ब्यावरा बिला के उसकी जो पूरी जो छत है वो ढह चुकी है, और हमारे ग्रामीण में भी जो तीन चार जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो टंकी वो पानी टपक रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और एक जो विषय अभी आरएनडी भाई साहब ने रिकॉर्डिंग और फुटेज ली थी, तो हम अधिकतम जो आदेश है कहीं ना कहीं 81J का हवाला देके या तुरुत बस कह सकते हैं, तो अभी मध्य प्रदेश में थानों की जो सीसीटीवी फुटेज जो है रिकॉर्डिंग वो कितने समय के लिए रखने का आदेश है, आदेश तो है इसे लेकिन कितने समय का अनिवार्य रूप से आदेश है ये बताने की कृपा करें। आपका प्रश्न जयपाल सिंह जी किससे था? आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। मेरा जल जीवन मिशन से था, देवेंद्र जी भी उस पर काम कर रहे हैं और वरिष्ठ हमारा जो भी इसमें विषय में हो ताकि वो भी देने की कृपा करें। जल जीवन मिशन और जो थाने संबंधित लॉ एंड ऑर्डर की जो रिकॉर्डिंग है थाने उसके बारे में।
तो जल जीवन मिशन से संबंधित जो जानकारी है आप, हाँ चलिए देवेन जी आपकी बात को जवाब देना चाह रहे हैं। जल जीवन मिशन जो है 350 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 350 लाख करोड़ रुपए का, जो पूरे इंडिया में चल रहा है, जिसके अंदर अभी सिर्फ 40% काम हुए हैं पूरे इंडिया में, 60% काम अभी चल रहा है। तो इस पर हम, क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मैटर है, खासकर पूरे रूरल एरिया को ये पूरा एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो इस पर काम की बहुत जरूरत है। जैसा कि मैं इनकी दो सवाल थे, दोनों सवाल का जवाब दे दूं। पहला सवाल जो इनका है थानों में रिकॉर्डिंग के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट का 2020 का ऑर्डर है, इससे पहले 2016 में भी आया था, लेकिन 2020 का स्पष्ट ऑर्डर है जिसमें 18 महीनों में हर थाने में ऑडियो और वीडियो के साथ में ये रिकॉर्डिंग सिर्फ जेल के जो जहां पे कैदी अंदर रहते हैं उस हिस्सों को और बाथरूम को छोड़ के हर परिसर में हर हिस्सों में होगी। तो अगर इसकी अवमानना होती है, अगर इस चीज का अभी भी वॉयलेशन हो रहा है, तो इस पर आप जो है सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, इन दो जगह पे शिकायत करिए, और उसके बाद भी अगर कुछ ना हो तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में आप अपने स्टेट पे जा सकते हैं। दूसरा जो आपका इशू था टंकी वाला, तो टंकी वाला एक टेक्निकल इशूज है। यहाँ पर तीन चार चीजें काम करती है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की पीएचसी ने क्या डिजाइन बनाया है, क्योंकि साइट्स की जो सॉइल कंडीशन है, एक सॉइल टेस्ट रिपोर्ट होती है, फिर उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन के लिए एनआईसी या एनआईटी के या सिविल इंजीनियरिंग किसी कॉलेज से अप्रूव्ड जो है आपकी ड्राइंग और डिजाइन होती है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आप उसकी अप्रूव्ड ड्राइंग और सॉइल टेस्ट कंडीशन की रिपोर्ट को आप निरीक्षण कर लीजिए, अगर वो दोनों क्रॉस कर रहे हैं तब तो ठीक है। दूसरा मैटर आता है कि जो वहां पे जो सिविल वर्क्स हुआ है, वो सिविल वर्क्स जो स्टैंडर्ड है उसका भी एक आईएस कोड है, उस कोड के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे अगर उसमें और ज्यादा ब्रीफ जानना हो तो मैं अलग से भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता दूं। ठीक है, आपको जानकारी जयपाल सिंह जी, देवेन जी का नंबर आपके पास है, नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं भेज दूंगा, और देवेन जी आपके प्रश्न का और भी बेहतर ढंग से आपको गाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, हनी चौरसिया जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज पूछिए, आपका शायद अंतिम प्रश्न होगा ये। हाँ जी शिवानंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ, बताइए। सबसे पहले सभी भाई बंधु, वैसे तो मैं राहुल जी से पूछा, ज्यादा शायद वो मंच पर भी नहीं है, तो मेरा सवाल जो है आरटी से संबंधित है। तो सर मैंने एक्चुअली जैसे न्यायिक कर्मचारी को जिला न्यायालय में उनसे अपन सेवा, उनकी सेवा पुस्तिका अपन मांगना चाह रहे थे लोक सूचना अधिकारी से, तो उन्होंने मतलब जैसे सेवा पुस्तिका देने से पहले उस कर्मचारी से उसकी सहमति मांगी, तो उन्होंने जैसे आपत्ति दे दी कि भाई मेरी सेवा पुस्तिका नहीं दी जाए, क्योंकि भाई कि भाई मेरा इस पक्षकार से मेरा कुछ विवाद चल रहा है या जैसा भी करके, तो फिर मेरी जो आरटी उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि भाई इन्होंने आपत्ति जता दी है तो आपको ये प्रदान नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए मतलब अगर अपने कोई जानकारी किसी सेवा पुस्तिका चाहिए न्यायिक कर्मचारी की, उसके लिए कोई अपने पास अलग रास्ता, जैसे कोई हमारे बीच में, हाँ ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, हमारे बीच में आत्मदीप सर हैं, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त। तो सर आत्मदीप सर आप क्या सुन पा रहे हैं कि आप हैं हमारे बीच में? तो सेवा पुस्तिका से संबंधित जो आरटीआई है इस पर जब आप देने के लिए, हालांकि ये देखिए अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, और हमने भी कुछ आरटीआई लगाई थी और हमें सेवा पुस्तिका से संबंधित जानकारी मिली है और हमारे अन्य साथियों को मिली है। हाँ ये बात अलग है कि वो सेक्शन 11 के तहत कुछ थर्ड पार्टी बोल करके और उनसे जानकारी वो लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यदि वो मना कर दें कि हमारी सेवा पुस्तिका ना दी जाए तो वो ना दें, ऐसा लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है। लोक सूचना अधिकारी अपना थोड़ा सेंस लगा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की सेवा पुस्तिका, हमें तो लगता है कि ये इतना बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सरकारी सेवा दे रहा है, जो लोक सेवक है, वो जनता के टैक्स के पैसे से पेमेंट पा रहा है, वो हमारा आपका लोक सेवक है, सबसे बड़ी बात ये। तो इस विषय पर जो भी दस्तावेज है सेवा पुस्तिका से संबंधित, उसकी नियुक्ति से संबंधित, ये सभी दस्तावेज ऑनलाइन होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति कब सस्पेंड हुआ, कब उसकी वेतन वृद्धि रुकी, कब उसके ऊपर कार्यवाही हुई, कहां कहां उसने गड़बड़ी की, यही सारी चीज रहती है। पेमेंट एक्सटेंशन का उसका रहता है, कितना पेमेंट, तो ये सारी चीजें धारा 4 के तहत वैसे भी रहता है कि
पेमेंट से संबंधित जानकारी रख देनी पड़ेगी, ये सब। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी छुपाने लायक है? सेवा पुस्तिका में शायद मेडिकल कंडीशंस यदि हो, यदि ऐसी कोई मेडिकल कंडीशंस हो जो सामने ना बताई जाए, या उसके पारिवारिक डेटाज वगैरह यदि एंट्री किए जाते हों, हालांकि सेवा पुस्तिका का मैंने बहुत बृहद अध्ययन नहीं किया है जो जानकारियां मिली थी, यदि ये जानकारियां हैं जो उसकी बहुत निजी व्यक्तिगत हैं, जो उसके काम से लोक सेवा से संबंधित नहीं है, सरकारी सेवा से संबंधित नहीं, तो ये चीजें मतलब एक तरह से मार्कर के माध्यम से ये वो कर दी जानी चाहिए उसको, मतलब मार्क कर देना चाहिए कि वो ना दिखे, बाकी सारी जानकारी देना चाहिए कि कितनी उसकी वेतन वृद्धि रुकी, किस तरह से उसने सेवा दी, कितनी उसकी पेमेंट मिल रही है, कौन कौन सी उसकी कार्यवाही हुई, तो ये मिलनी चाहिए हमारे ख्याल से। वो सर उन्होंने नहीं दी, उन्होंने ये लिख के आरटीआई डिस्पोज ऑफ कर दी कि आपकी चाही गई जानकारी के लिए हमने फलाना फलाना कर्मचारी से उसकी सहमति मांगी, उनके द्वारा आपत्ति जताई गई, क्योंकि जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए देना जाना उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत सही उन्होंने भी कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में, आपको पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे, हालांकि आरटीआई में ऐसा कुछ पहले जो कानून आया था तो ऐसा नहीं था, लेकिन यदि ये कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, तो चलिए आप बता दीजिए भाई अमुक आदमी ने यहाँ यहाँ पे फ्रॉड किया है, ये गलती हुई है, इस कारण से हम इसकी सेवा पुस्तिका की जानकारी चाह रहे हैं, क्या पड़ी है कि हमें किसी की सेवा पुस्तिका की जानकारी चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई किसी की सेवा पुस्तिका की जानकारी, लेकिन इनकी इसलिए चाहिए क्योंकि तो इन्होंने यहाँ यहाँ ये गड़बड़ी की है और इनकी सेवा पुस्तिका में एंट्री है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, एक रीवा जिले का मामला था, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का एक इंजीनियर थे, असिस्टेंट इंजीनियर सहायक यांत्रिक एसडीओ का पावर होता है उनका, वो रिटायर हो गए, पता चला कि 2015-16 में उनकी कमिश्नर संभाग आयुक्त ने उसकी पेमेंट रोक दी थी, मतलब असंचयी प्रभाव के साथ में, मतलब एक वर्ष की वेतन वृद्धि मात्र रोकना असंचयी का मतलब होता है, और बाद में वो सेवा पुस्तिका में उनको एंट्री नहीं हुई और उन्होंने पेमेंट भी पा ली। अब यदि वो सेवा पुस्तिका की जानकारी हमें नहीं मिलती, यदि हमारी कंप्लेंट पे शिकायत नहीं होती, आरटीआई में जानकारी नहीं मिलती, तो कैसे पता चलता कि वो आदमी रिटायर हो गया है, लेकिन वो 40-45 हज़ार रुपये सरकार को चूना लगा गया है और साथ में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना भी कर गया है। तो इस तरह से कुछ चीज आप उसमें आप ढूंढिए कि आप क्यों सेवा पुस्तिका की जानकारी लेना चाह रहे हैं, और इस प्रकार जब आप उसमें अपना तथ्य रखेंगे, प्रथम अपील करिए उसमें तथ्य रखिए, लोकहित कह रहे हैं ना, लोक सूचना अधिकारी कह रहा है लोकहित में नहीं है, आप अपने अपील पे, प्रथम अपील पे बात सिद्ध करिए कि हाँ ये लोकहित में है और इन इन कारणों से लोकहित में है। फिर यदि प्रथम अपील अधिकारी भी नहीं देता है, वो वही आदेश का हवाला देता है जो पीआईओ का है, तो फिर आप जब आयोग में जाएंगे, सूचना आयोग में जाएंगे, तो आप अपनी बातें विस्तार से वहां पर रखिए। ठीक है चौरसिया जी, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या, एक्चुअली मैंने उसी कर्मचारी के खिलाफ, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, तो वो न्यायिक कर्मचारी और मतलब उनकी आय से अधिक संपत्ति हमने कई विभागों में दिए, तो वो मतलब इतने मतलब सांड गांड इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं जिससे कि मतलब वो सब जगह करके हमारे निरस्त कर, हमने लोकायुक्त में दिया, तो वहां से लोकायुक्त ने ये कह के निरस्त कर दिया हमारा कि भैया इनकी आपसी रंजिश चल रही, पारिवारिक विवाद है, इस कारण इसमें ये क्या बोलते हैं जांच नहीं की जा सकती, इन्होंने सामने वाली पार्टी के दबाव, ऐसा कोई कारण नहीं होता है पारिवारिक रंजिश, या देखिए जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं स्वाभाविक तौर पर हम उससे बहुत खुश नहीं है, चाहे हमारा व्यक्तिगत रहा हो, चाहे वो सरकार के पैसे में चूना लगाया, भ्रष्टाचार किया इसलिए रहा, तो लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू का ये कथन या इनकम टैक्स का ये कथन कि इनकी पारिवारिक रंजिश है, ये कोई आधार नहीं है शिकायत में जांच ना करने का, क्योंकि आपने शिकायत की है उसकी अनियमितता की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यदि आपके पास प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है, दस्तावेज हैं कि कहाँ कहाँ उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, वो पहले दस्तावेज आप हासिल करिए, निकालिए। आप बिल्कुल 100 रुपए के हलफनामा के साथ में लोकायुक्त ईओडब्ल्यू और जहां भी है इनकम टैक्स में आप शिकायत करिए हलफनामे के साथ में, यदि वो कार्यवाही ना करें, एक दो बार उनको और रिमाइंडर भेजिए कि हमने आपको ये शिकायत की थी और इस पर कार्यवाही नहीं हुई, हमने सभी दस्तावेज आपको उपलब्ध करवाए हैं और आपने कार्यवाही नहीं की है, अतः हमें माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर आप उसमें परिवाद दायर करके हाई कोर्ट में पिटीशन वगैरह लगा सकते हैं, इसका यही तरीका है, बाकी क्या करेंगे, लड़ेंगे क्या, कार्यवाही नहीं करेगा लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू, ये तो देश में पूरा चल रहा है, देश की शिकायत निवारण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ पर कोई शिकायत निवारण व्यवस्था नहीं है देश में, यहाँ आप जिस व्यक्ति की शिकायत करते हैं जांच करने के लिए उसी व्यक्ति के पास आ रहा है, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे कोई विभाग, इतना पूरा डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, इसका पूरा निचोड़ यही है। इसके लिए सभी एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि स्ट्रांग बनिए, मूवमेंट टाइप का चलाइए, अन्य माध्यम चुनिए, मीडिया के माध्यम से अपना ग्रुप बनाइए और सोशल प्रेशर डालिए, प्रशासनिक दबाव डालिए, एक तरह से धरना प्रदर्शनी, ये सारी चीजें ऐसे आप कर पाएंगे। ठीक है चौरसिया जी, ठीक है, फिलहाल तो ये उसने एक्चुअली क्या कर रखा था कि उसने दो मकान मतलब बना लिए अपने, मतलब क्या बोलते हैं घूसी कमाई से, लेकिन उसने क्या कर रखा है, नाम अपने साले और ससुर के करवा रखा है मकान में,
तो अपन ने एमपी सिविल सर्विसेज आचरण नियम जो 19 है, मध्य प्रदेश सिविल शासकीय सेवा आचरण नियम 19 के तहत अपन ने आवेदन दिया कि साहब इन्होंने ऐसे अपनी जंगम संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है या कुटुंब से मिली हुई संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, तो वो भी उनके जो जिला न्यायाधीश थे उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया करके कि भाई ये जो संपत्ति है वो इनके ऐसा कोई प्रमाण नहीं साबित हो रहा है कि भाई इनको उससे मिली हुई करके, वो तो कह रहे हैं कि साहब मेरे साले के नाम पे वो तो फॉरेनर था मैं रह रहा हूँ, तो ये बेनामी संपत्ति की मतलब कैसे की जाए शिकायत की भाई, मतलब है तो अपन उसी की, लेकिन दूसरा कर्म उसने क्या कर रखा है कि लीजर रिपोर्ट में नाम चढ़वा रखा है परंतु रजिस्ट्री नहीं करवा रखी है, लीजर रिपोर्ट हमारे पास है और रजिस्ट्री के दस्तावेज नगर निगम में मिल नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आप किसी सक्षम अच्छे वकील से संपर्क कर लीजिए, आपको वो बता देंगे और इसमें आपको आगे क्या करना है, और अपन सारा डिस्कशन अब यहाँ पे चूंकि नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें रहती हैं, तो मैं आपके ये कहूँगा कि आप या कि नित्यानंद जी हमारे बीच में, उनका नंबर भी रहता है, उनसे संपर्क कर लीजिए, और हमारे अन्य वकील साथी हैं उनसे आपके कॉन्टेक्ट में है तो उनसे, इसमें आगे आपको स्ट्रेटजिक तौर पर भी आप पीछे ही पड़े हैं कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, तो आपको विधिवत प्रूफ के साथ में सभी चीज़ों को अपन करेंगे आगे, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल फतेह चंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, और हम इस डिस्कशन को यहाँ पे बाइंड अप भी, अच्छा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए अपने आप को, फतेह चंद जी अपने आप को अनम्यूट करिए, ओके okay, तो प्रवीण जी कार्यक्रम को अपन बाइंड अप करेंगे, और बहुत ही खुशी है कि आज का दिन हमारा इतना अच्छा डिस्कशन चला, और हमारे जो साथी हैं वो निरंतर प्रश्न अपना रखना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि समय का एक वो रहता है, 1 बजे तक कार्यक्रम था तो वैसे भी हम 1 घंटे हमारे बीच में माननीय श्री मनोज कुमार जेना जी आए भुवनेश्वर उड़ीसा से, जिन्होंने जो NHRC के कोर मेंबर हैं और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, और आप हमारे कार्यक्रम 25 तारीख को तो हम कार्यक्रम में शामिल होंगे सभी हमारे साथी और जो भी हैं, और साथ में आगे भी कार्यक्रम जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप इसी तरह से सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा। हमारे बीच में सोफिया खान जी आई जो एडवोकेट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सोशल एक्शन फोरम अगेंस्ट रिप्रेशन सफर की, और वो गुजरात से हैं, वो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो इशूज रहते हैं उसके विषय में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला और इससे लोगों को काफ़ी जानकारी हासिल हुई। बाकी हमारे बीच में माननीय श्री राहुल सिंह जी जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, सदैव ही अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके, हालांकि आज वो ट्रैवल में थे लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी गाड़ी रोक करके हम देख भी रहे थे कि मोबाइल के माध्यम से उन्होंने मतलब हमसे रूबरू होने का प्रयास किया। हमारे बीच में आदमदीप जी पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, हमेशा ही वो हमारे कार्यक्रम के एक तरह से संरक्षक की तरह हैं और हमारे बीच में अभी भी जुड़े हुए हैं, पर हालांकि वो उनकी हम वीडियो नहीं देख पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदमदीप सर, आप हमारे बीच में आए, और प्रवीण भाई पटेल जो हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर ही हैं, ये जो कार्यक्रम इतना बृहद और सब आप देख पा रहे हैं सब उनकी बदौलत है और मैं पूरा श्रेय उनको देता हूँ। वेंकट रमन जी कोरम फॉर फास्ट जस्टिस के ट्रस्टी और हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से ये सब कार्यक्रम चलते रहें। नित्यानंद जी मिश्रा जी जो एडवोकेट हाईकोर्ट से कार्यक्रम के हमारे को ऑर्गेनाइजर, देवेंद्र अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से, शिवेंद्र मिश्रा जी रीवा से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हमारे सभी साथी, हाँ हम झरना पाठक जी का नाम भूल रहे थे जिन्होंने अपनी अमूल्य बात इस विषय पर, उन्होंने ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स वायलेशंस के विषय में अपनी बातें रखी, उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद, और हमारे सभी साथियों को जो उन्होंने प्रश्न रखे जो नहीं रख पाए और जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से अपना कार्यक्रम से जुड़ाव बनाए रखें और बहुत, और इस कार्यक्रम का जो पोस्टर बनाते हैं हमारे बीच में एक हमारे साथी हैं पवन जी इस कार्यक्रम का हर बार का पोस्टर बनाते हैं, उनको हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि वो उनका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है पवन जी का, और बहुत ही एक्टिव हैं और धन्यवाद उनका भी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, 25 दिसंबर शनिवार को आप लोग जरूर कार्यक्रम में आएँ और हमारे जितने RDI ग्रुप्स और सब हैं उसमें हम शेयर करेंगे पूरा डिटेल्स, और साथ में
अगले संडे का जो कार्यक्रम होने वाला है उसका भी जो जानकारी आएगी तो हम आपके बीच में शेयर करेंगे। सभी का सादर प्रणाम, सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सबको 10 मिनट पहले ज्वाइन कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। जी जी, 25th को ना? हाँ, 25th को, तो टाइम शॉर्ट रहेगा और बहुत इश्यूज रहेंगे। जी जी, तो सार 11 बजे चालू कर सके तो यदि 10:50 तक सब ज्वाइन कर ले तो ज्यादा अच्छा है। जी जी बिल्कुल, हम अगले संडे को भी इनको रिमाइंड कर देंगे सभी साथियों को। सैटरडे को है ना? लेकिन 25th हमें लगता है कि अगला वाला सैटरडे होगा, तो अगला शनिवार होगा, ये वाला आने वाला ना होगा। ना, अच्छा अच्छा, बीच में एक शनिवार और आ रहा है। जी जी, एक आ रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए, नमस्ते सभी को।